मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, मेरे अपने, कैसे हैं आप लोग? हाँ हाँ भाई, मेरे अपने क्यों नहीं, यही थोड़ी होता है कि अपने वो होते हैं जो खून के रिश्ते होते हैं. वैसे अक्सर हमारे यहाँ लोग यही सोचते हैं कि जो आपके बहन भाई, इमीडिएट फैमिली, आपके रिश्तेदार, आपके जो घर में जितनी भी आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, वही आपके अपने होते हैं. लेकिन जैसे जैसे आप ज़िंदगी की भाग दौड़ में प्रैक्टिकली खुद जाते हैं, खुद आप ऑफिस में जाते हैं, मोहल्लों में रहते हैं, तो आपको अंदाज़ा होता है कि यार आपके बेसिकली जो रिश्तेदार हैं, जो खूनी रिश्ते, उनसे बढ़ के भी बहुत सारे लोग आपके अपने हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आपके बुरे वक्तों में सबसे पहले आपके पड़ोसी आपके काम आते हैं. और कोई पड़ोसी आपका ऐसा होता है जो आपको कोई कहीं जाना हो, कोई इमरजेंसी हो, कोई मशवरा चाहिए हो, कहीं किसी के कंधे पर सर रख के रोना हो, आपका पड़ोसी सबसे पहले आपके काम आता है. और वो बाकायदा एक यादगार रहता है आपको ज़िंदगी भर कि आप एक मोहल्ले में अरसे तक रहे हैं, उस मोहल्ले को छोड़ के गए हैं. जब आप होता है ना, स्टेटस आपका बेहतर होता है, आप अच्छे इलाके में शिफ्ट हो जाते हैं, बंगला या फ्लैट या जो भी ले लेते हैं, आप याद करते हैं उस पड़ोसी को कि वहाँ जो पड़ोसी थे, वहाँ जो खाला थी, वो बब्बन खाला जैसा कोई नहीं, वो जितनी अपनी थी, उनमें जितनी अपनाइयत थी, उन्होंने जितनी अच्छी तरबियत हमारे बच्चों की की, ऐसा कोई नहीं. और बाकायदा मैं अपने एक्सपीरियंस से, जब हम अपार्टमेंट्स में रहते थे और हम छोटे छोटे होते थे, तो हमारा एक अपार्टमेंट बना हुआ था, वहाँ हम कुरान शरीफ पढ़ने जाते थे. जब बड़ी रातें होती थी तो हम वहाँ रथ जगे करते थे. और हमारी तरबियत में उस पड़ोसी की बेटी का भी बहुत हिस्सा है जिसने हमें अच्छी बातें सिखाई. फिर एक पड़ोसी ऐसे थे कि जहाँ हमें कुछ अच्छा खाना होता था तो हम हमेशा चौधरी अंकल की बीवी के घर पहुँच जाते थे और सारे बच्चे वहाँ जमा हो जाते. वो हमसे कुछ ज़्यादा ही प्यार करती थी, वो मोहल्ला इतने ज़्यादा अरसे हम वहाँ साल गुजारे हमने. इसी तरह आपके कुछ मोहल्लेदार ऐसे होते जहाँ आप जाकर अपना किथार्स कर सकते हैं. अम्मी ने कहा, अबू ने यह कहा, या मियाँ ने ये कहा, भाई ने ये कहा, तो आपके पड़ोसी भी आपके अपने होते हैं. फिर आप क्या करते हैं, और प्रैक्टिकल लाइफ से जाते हैं, आपके ऑफिस कलीग्स, आपके ऑफिस कलीग्स कुछ आपके ऐसे होते हैं जो आपको मंजिल दिखाते हैं आपकी ज़िंदगी की. यार तुम ये करो, यार तुम ये कर सकती हो, या तुम कर सकते हो, आपका मोराल अप करते हैं. उसके बाद कभी आपको उधार की ज़रूरत है, कोई ऐसी चीज़ है जो आप किसी से नहीं कह सकते, आप उससे कहते हैं. हर तरह की ज़रूरत के वक्त आपका कलीग आपके काम आता है, क्योंकि आप अपनी फैमिली मेम्बर से ज़्यादा तो ऑफिस आ रहे होते हैं, और ऑफिस के जो फिर कुछ कलीग्स हैं वो आपके अपने बन जाते हैं. उसी तरह आप स्टूडेंट लाइफ में, स्कूल में देख लें, कॉलेज में देख लें, यूनिवर्सिटी में देख लें, आप मतलब कहीं भी देखें, जो आपके दोस्त हैं वो कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो ता हयात आपके साथ रहते हैं, मरते दम तक. कहते हैं ना, जिगरी यार, लंगोटिया यार, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं दोस्तों के लिए. और वो आपके कोई इतने अपने होते हैं कि शायद आप अपनी बहन या भाई से, अपने सिबलिंग से भी वो करीबी ताल्लुक महसूस नहीं करते जो आप अपने दोस्त से करते हैं, वो राज नहीं शेयर करते जो आप अपने दोस्त से करते हैं. तो इसलिए अपनाइयत की डेफिनेशन ये नहीं है कि खून के रिश्ते, अपनाइयत की डेफिनेशन है आपका रख रखाव, आपके रवैये, आपके साथ उस दूसरे शख्स की सिंसेरिटी, दिल से दिल मिलना, क्लिक होना, उसकी कंपनी में बैठ के इंजॉय करना, उस पर भरोसा होना, ट्रस्ट करना, ये है डेफिनेशन. लेकिन लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी गुट्ठी में है, जिनकी परवरिश ऐसी है कि भाई जो कुछ है ये तो खूनी रिश्ते हैं, यही हैं, और कोई तुम्हारा अपना हो ही नहीं सकता. यानी कि वो उनका दारोमदार जो है वो बहन से शुरू होके भाई पे ख़त्म होता है, अम्मी से शुरू होके अब्बू पे ख़त्म होता है, फूफी चाचा, जो जितने भी खूनी रिश्ते हैं, वो कहीं ख़ानदान से बाहर किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करते. क्यों? उनकी तरबियत ऐसी होती है. कुछ ख़ानदान ऐसे होते हैं कि वो बाकायदा सबको ले कर चलते हैं. तो डिपेंड करता है हर घराने में, आई डोंट नो आपके घराने में आपके अपने आप अपने खूनी रिश्तों को ही समझते हैं, या आपके घराने में आप अपने खूनी रिश्तों से ज़्यादा अपने अपने पड़ोसी या दोस्त या कलीग्स को समझते हैं, या ससुराल वाले भी कभी कभार ऐसा होता है कि आपको अपनी बहन से ज़्यादा अपनी नन से अट्रैक्शन होती है, क्योंकि वो आपका इतना साथ देती है. कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी अम्मी उतनी बुर्दबार नहीं होती, आपके लिए इतना खड़ी नहीं हो सकती जितनी कभी कभार आपकी सास खड़ी हो जाती हैं.
तो लड़कियों के लिए तो यही होता है कि वो मैका छोड़ के ससुराल जाती हैं और फिर वो जितनी अपनाइयाँ देती हैं उतने ही अपने ससुराल लगने लगते हैं। मैं ये इतने अपने अपने क्यों कर रही हूँ, हाँ हाँ कल एनिवर्सरी हो गई 21 साल वाली, मुबारकबाद भी हो गई, लेकिन हमारे ARY डिजिटल पर भाई बड़े भरमार है नए ड्रामों की, और जो मैं प्रोमोज और टीजर्स देख रही हूँ तो मुझे तो बहुत एक मज़ा आ रहा है कि जो ये सहमाई है मेरी बड़ी अच्छी गुजरने वाली है, बिल्कुल भी मैं बोर नहीं होने वाली, क्योंकि मेरे पास हर रोज़ एक ना एक कोई ऐसा ड्रामा कास्ट स्टोरी प्रोडक्शन हाउस है कि मैं अपना टाइम वहाँ इन्वेस्ट कर सकती हूँ। और आज यानी मैं आपको मिलवाने वाली हूँ मेरे अपने की कास्ट है, जो संडे 19 सितंबर से शुरू हो रहा है, 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, 2 घंटे आपका संडे जो बहुत बोरिंग होता है, कितने 7, 8, 9, 10, हाँ ये तो 3 घंटे हुए, हाय हाय 3 घंटे तक आप देखेंगे जी अपना जो वो बोरियत वाला टाइम है ना कि यार क्या करे, संडे को दिल भी नहीं चाहता कहीं निकलने का, तैयार होके निकले नहीं भाई, लिथार्जिक हुए हुए होते हैं आप, लेजी हुए हुए होते हैं, तो उस लेजीनेस को आप दूर कर सकते हैं, बल्कि अपने काउच पे आराम से लेट के देख सकते हैं मेरे अपने, जिसकी कास्ट जो है वो आज हमारे साथ हमारे शो पे है, और बहुत ही मज़ेदार धमाकेदार शो होगा, क्योंकि ये बड़े चुलबुले से लोग हैं जो सारे आज मेरे पास आ रहे हैं सुबह सुबह। आज हम जुम्मे की सुबह अच्छी गुजार रहे हैं, आपकी अच्छी मनवा रहे हैं, लेकिन संडे के 3 घंटे आप डेडिकेट कर सकते हैं हमारे ड्रामे को जिसका नाम है मेरे अपने। तो भाई शुरू होने वाला है संडे को 19 सितंबर को, आपने मिस नहीं करना है, अभी से बता रही हूँ मैं आपको, रिमाइंड करा रही हूँ कि ये 3 घंटे ब्लॉक करने हैं, आपने एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं और फिर 2.5 घंटे भी ब्लॉक करें, क्योंकि आपने देखना है गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, नहीं देखा नाराज़ हो जाऊँगी। गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि संडे से 19 सितंबर से हमारा एक नया ड्रामा शुरू हो रहा है जिसका नाम है मेरे अपने, और इस दफ़ा इस संडे आप 7 to 10 कहीं नहीं जाने वाले, बल्कि अपना टाइम ब्लॉक करने वाले हैं फॉर मेरे अपने। और आज यहाँ आपकी फ्राइडे की सुबह मैंने कहा कि जो ये मेरे अपने संडे की रात आने वाले, क्यों ना हम इन्हें फ्राइडे की सुबह भी बुला लें। तो आइए वेलकम करते हैं सबसे पहले एक ऐसा नाम जिन्होंने अपनी एक्टिंग अपने हार्डवर्क से अपने आप को मनवाया, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में उन्होंने बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हुए मुझे नज़र आई, लेकिन मुझे पिंकी मेम साहब जो है ना बड़ी अच्छी लगी, मैं 2-3 दफ़ा देखी और मैंने कहा यार बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है, और भी सारे ड्रामे देखे हैं, पिंकी मेम साहब नंबर 1 पे रही मेरे लिए। और ड्रामे और जो आपने देखे हैं उसमें अहद वफा है, तेरी रजा है, नकबजन, जलन, शहरे मलाल, एक गुनौर सही, और बहुत सारे ड्रामे हैं। आइए वेलकम करते हैं हार्डवर्किंग एंड टैलेंटेड एक्ट्रेस हाजरा यामीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल, थैंक यू सो मच। नहीं भाई, मैं तो मैंने देखा है आपको ग्रो करते हुए, मोटे से पतले होते हुए, हर चीज पे मेहनत की हाजरा ने, मैं पुरानी वाली क्लिप्स निकालूं शो की, यार इट वाज टू बी सो मच फन। वैसे बिल्कुल कोई पूरी जर्नी है, तो वो ज्यादा दिन तक ठहरने की वजह से मैं काफी लोगों की जर्नी देखी है, तो मैंने हाजरा की भी देखी है। थैंक यू सो मच मदर, रियली आई रिमेंबर, मैं शुरू में आपके शो में आई थी 2-3 बार, इट वाज वेरी नाइस। बिल्कुल, तो हाजरा क्या एक्सपेक्टेशन है आपको मेरे अपने से? एक्चुअली इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है और हम सब की, अच्छा, और बीइंग एक्टर्स तो है ही, बट द डायरेक्टर, द एंटायर प्रोडक्शन टीम, सबकी बहुत मेहनत है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में इतना कुछ हुआ, अदरवाइज भी बिहाइंड द सीन्स भी, तो एक टेस्ट बन गया था एक तरह से। इट्स नॉट एन ईजी टास्क, तो ये है कि आई एम जस्ट होपिंग कि सबको पसंद आए, और वही जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि मेहनत हमेशा रंग लाती है, तो होपफुली इस बार भी ऐसा ही। अच्छा, पता है मैंने जब प्रोमोस टीजर्स देखे तो मुझे बड़ा यंग, एक फ्रेश ताज़ा हवा का झोंका नजर आया, क्योंकि सारे यंग लोग नजर आए ना, तो वो देखना चाहते हैं लोग, यूथ को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने में बहुत मजा आता है। बिल्कुल, तो देखते हैं भाई कितना मैच्योर है आपका ड्रामा, कितना हमें ग्रैब करके रखता है ये। प्लीज हैव अ सीट, थैंक यू। और हम सारे कास्ट जितने भी हमारे पास अभी हैं मेंबर्स, कास्ट मेंबर्स, उनको सबको बुला लेंगे और फिर उसके बाद हम पूछेंगे कि ये मेरे अपने क्यों है जी। जो नेक्स्ट गेस्ट
मैं जिनको अभी बुला रही हूँ वो कहते हैं ना कि आप आते हैं और आते ही छा जाते हैं. कुछ ऐसा ही हुआ इनके साथ कि बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स भी मिले, प्यारी भी थी, अच्छी एक्टिंग भी करती थी, मेहनती भी थी, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो एक पैकेज बन गया और आपकी नज़रों में ये आ गई. आपने इनको देखा है एक्टिंग करते हुए मकाफात में, हकीकत में, महरपोश में, मलाले यार में, सांवरी, पिया नाम का दिया. मुझे लगता है ये तीन शिफ्टों में काम करती है क्योंकि आई और इतना सारा काम कर गई. आइए और अब आप इनको देखेंगे मेरे अपने में. ज़ैनब शबीर को वेलकम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. कैसी है? हेलो. मैं बिल्कुल ठीक. आप सुनो, मुझे लगता है तुम फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबा के पैदा हुई हो. क्यों? जल्दी 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 बात भी जल्दी से तय हो गई, अभी आई है, काम भी जल्दी जल्दी कर रही हो. ये क्या चक्कर है? कुछ भी नहीं. माशाल्लाह छोटी सी है बिल्कुल, और तुम हर चीज जल्दी करने की आदी थी, जल्दी जल्दी पढ़ाई करना और ये वो. नहीं बिल्कुल भी नहीं. मैं बहुत लेजी हूँ वैसे. नहीं यार, बहुत लेजी हूँ. माशाल्लाह अच्छा काम कर लिया तुमने. अभी ज्यादा अरसा नहीं हुआ तुम्हें. हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक टाइम पे एक ही प्रोजेक्ट करूँ ज्यादातर, और अभी तक रहा भी ऐसा है कि मैंने ज्यादातर एक टाइम पे एक ही प्रोजेक्ट किया है. बट वो अब जब गिनती हूँ तो मुझे होता है ओके इतना कर लिया. हाँ, हाँ, पता नहीं चला. हाँ, लेकिन एक ही प्रोजेक्ट करती हूँ मैं ज्यादातर. लेकिन अच्छा कर रही हो. अच्छा है. जिस वक्त ये इस वक्त एज है कि आप ज्यादा काम कर सकते हैं, आपके अंदर वो एनर्जी है. हमारी एज में है कि भाई मुझसे तो ड्रामे नहीं होते. मैं एक शो कर लूँ, मेरे लिए यही बहुत है. लेकिन शो भी बहुत बड़ी बात है, रोज करना. बस वहाँ उस तक की एनर्जी मेरे पास है, फिर बाकी बच्चों पे चीखने में निकलती है. तो जनाब आपसे बात करनी है हमने मेरे अपने के हवाले से. तीन घंटे संडे. तुम क्या करती हो संडे को? संडे को मैं फैमिली के साथ ही होती हूँ. हाँ. तो मेरे ख्याल से अच्छा है कि सब लोग फैमिली के साथ होते हैं. हाँ. और ये एक फैमिली ड्रामा है. हाँ. तो देखने में उनको बहुत मजा आया. मतलब संडे को आप अपने अपनों के साथ मेरे अपने देखे. हाँ यार, exactly. प्लीज अजीब रखो. हाँ जी, जो मेरी मैं लेडीज फर्स्ट होता है. मैं बुलाऊंगी लड़कों को भी, लड़के भी आएंगे, लेकिन मैंने कहा सारी जितनी भी ड्रामे में लेडीज हैं पहले उनको बुला ले. और अब जिस एक्ट्रेस को मैं बुला रही हूँ भाई, पहले तो मैं उनकी मेकअप से अट्रैक्ट हुई थी कि बड़ा अच्छा मेकअप करती हैं, क्योंकि एज एन मेकअप आर्टिस्ट जो है उन्होंने अपने करियर का आगाज किया था. उसके बाद एक्टिंग, फिर व्लॉगर, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें ये जिंदगी में करना चाहती हैं. बहुत कुछ करना चाहती हैं, लेकिन उस बहुत कुछ में अभी इन्होंने आप संडे को उनका मेरे अपने देखेंगे. लेकिन वैसे आपने इनको देखा है हानिया में, दीवानगी, जेबाइश, धूप की दीवार, और भी बहुत सारे मैं इनसे पूछूंगी. वेलकम करते हैं टैलेंटेड खूबसूरत ज़ोया नासिर. अस्सलाम वालेकुम. कैसी है? बिल्कुल ठीक. आप ईद का शो लग रहा है, प्यारे लग रहे हैं लड़कियाँ. ओ तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे गेस्ट तरह तैयार होके आते हैं ना. बिल्कुल. सुबह सुबह नाजरीन फ्रेश हो जाते हैं. इस वक्त सारी औरतों का ये मूड होता है आंखें खोल के. ये जब आप लोगों को तैयार देखते तो एक एनर्जी उनके अंदर आ जाती है. तो ज़ोया कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक. और मैं आपको बता रही थी मैं इसलिए इतना तैयार हूँ बिकॉज हम इतना एक्साइटेड हैं एक दूसरे के साथ मिलने के लिए. हाँ. क्योंकि वाकई में मेरे अपने ही हैं हम सारे. तो आप लोग भी तो अपने हो गए ना. कितने अरसे से आप लोग एक साथ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? पिछले साल एक साल हो गया. एक साल होने वाला है. अच्छा, और क्या आप लोगों के सब के इकट्ठे होते थे सीन्स कभी? ऐसा होता था ज्यादातर इकट्ठे होते. तो डायरेक्टर तो बेचारा इसी तरह करता रहता है. मेकअप रूम में हर वक्त कोई ना कोई आ रहा था कि चुप कर जाओ, चुप कर जाओ. अच्छा पता है ये भी एक ब्लेसिंग है कि अच्छे लोग एक साथ मिल गए, वरना बहुत सारी जगहों पे बहुत खड्डे होते. ड्रामा रुक जाता है और कभी लड़की की लड़ाई हो जाती है हीरो से, कभी लड़कियों के आपस में लड़ाई हो जाती है. हमारा ड्रामा सिर्फ अगर कोई बीमार होता था खुदा ना खास्ता इसलिए रुकता था, वरना ऐसा अदरवाइज तो एक पार्टी. मतलब आप लोगों की कोई ऐसी लड़ाई नहीं होती मुझे अलग कमरा देना? नहीं. Only when one of us had symptoms, कभी अगर होता था कि अच्छा किसी को हल्का फुल्का बुखार हुआ तो वो बंदा अलग बैठ जाता था. या सीनियर एक्टर्स वरना ऑल ऑफ अस हम लोग एक ही कमरे में. फुल गपूड़े आप लोग, फुल गप्पे मारते थे. बिल्कुल. ज़ोया प्लीज हैव अ सीट. थैंक यू. हाँ जी, तो जी मेरे नेक्स्ट गेस्ट पहले भी आए मेरे शो पे किसी और ड्रामे की प्रमोशन के लिए, और मैं ना अभी हैरान हो गई क्योंकि मुझे लगता है हर ड्रामे में अपना गेटअप चेंज कर देते हैं. कभी दाढ़ी रखते हैं, कभी क्लीन शेव हो जाते हैं, कभी मूछे रखते हैं. और बड़ी टैलेंटेड है आई गेस. लाहौर से है ना? है पंजाब से. और फिर यहाँ शिफ्ट हुए और काम करते हुए आपको नजर आए. ये आपने इनको देखा संगे मरमर में, एक थी मरियम, बंद खिड़कियाँ, कौन सी, दे इजाजत. हाँ, दे इजाजत ही है ना. आई है
वेलकम करते हैं टैलेंटेड आगा मुस्तफा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? मैं सॉरी सुन रहा था जब आपने लाहौर का, तो बुरा लगा हमें। इस्लामाबादियों को ना थोड़ा होता है मसला। क्या? नहीं मतलब असल में थोड़ा है इस्लाम। पाकिस्तान के शहर में आप? हाँ लेकिन कैपिटल है ना तो हाँ, होता है थोड़ा। कोई बात नहीं, करीब करीब है। कितने घंटे का रास्ता है गाड़ी? मतलब थोड़ा सा ज्यादा, 5 घंटे। इस्लामाबादियों को लगता है कि उनको लाहौर ना कहें, इस्लामाबादी ही कहें, ऐसा है? हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं अगर हमें कराची वालों के बजाय लाहौर वाले कह दे। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं अगर हमें हैदराबाद वाले। ये मैं डिसएग्री करता हूं। मैंने अपने कराची के दोस्तों को देखा है, वो तो पागल हो जाते हैं कि नहीं भाई लाहौर वाला मजाक नहीं है। अच्छा नहीं नहीं चलो हम करीब की बात करते हैं। अगर हमें कह दे तुम्हारा ताल्लुक हैदराबाद से तो हम माइंड नहीं करते। वो तो मैं भी नहीं करूंगा। अगर आप बोले मैं इस्लामाबाद में हूं, आपका ताल्लुक पिंडी से, तो करीब ही आ गया फिर तो आई डोंट माइंड ईदर। बट हम प्लीज आइए बैठिए और देखेंगे हम संडे को इंशाल्लाह 3 घंटे तक देखेंगे। आइए मैं अपने नेक्स्ट गेस्ट को दावत देती हूँ। हाँ जी, ये जो नेक्स्ट मेरे गेस्ट हैं ये बड़े, इनका इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है। जब भी आते हैं मेरे शो पे बड़ा हंसी मजाक मस्ती लाइवलीनेस इनके अंदर है। आई डोंट नो, ड्रामे में भी थी, सेट्स में करते रहते थे हंगामे, हंसते रहते थे हम जी। तो ये कोई आपकी आपकी जो अपने हैं उनमें कोई ऐसा होता है जिसकी कंपनी बड़ी अट्रैक्टिव होती है और हमेशा वो जो दुखी लोग होते हैं, डिप्रेसिव होते हैं, उनको खुश करता है? इस ड्रामे में वो क्या करने वाले हैं? मेरे अपने में क्या वो चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेरेंगे या फिर गमगीन कर देंगे? आई डोंट नो, ये तो इनसे ही पूछना पड़ेगा। अभी तक आपने इनको जिन ड्रामों में देखा है उनमें से कुछ ये हैं, पिया नाम का दिया, तड़प, मेहरपोश और उड़ान, और हाँ मेरा रब वारिस। तो आइए वेलकम करते हैं आरिज अहमद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? हेलो लेडीज, ठीक ठाक हैं? आइए प्लीज हैव अ सीट। माशाल्लाह मतलब 1 किलो कास्ट है पूरी बात। लड़के लड़कियाँ नहीं, और अभी कुछ लोग मेरे आधी से ज्यादा नहीं है। आधी से ज्यादा नहीं है? हाय बताओ भाई कौन कौन है? अली अब्बास तो मुझे नजर आ रहे हैं, ये हमेशा मेरे साथ ऐसे करते, कभी नहीं आते मेरे शो पे। गलत बात है ये तो बहुत है। अली अब्बास, उसामा, तो और सीनियर एक्टर्स भी इतने सारे, वसीम साहब, सो मेनी पीपल। अच्छा बात सुनो, अली अब्बास जो है उनका भी सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा, इसका भी सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा, आपका भी अच्छा ही होगा या आप थोड़ी डिसेंट है? नहीं मतलब डिसेंट लोगों का भी अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर हो सकता है, ऐसा नहीं है। तुम लोगों ने काम कैसे किया वहां? तो सिटकॉम भी लगता रहता होगा सेट पे। बिल्कुल, हम कह रहे थे अच्छी बात है ना, अच्छी बात। मतलब काफी मुश्किल हो गया था कुछ सीन्स में सीरियस रहना, बिकॉज़ हम बीटीएस सारी सिटकॉम थी। BTS कुछ कभी कभी ना मोमेंट्स होती थी। मुझे याद है एक बड़ा इंटेंस सीन होता है कि अब हम दोनों भाई हैं तो आरिज पे मैं गुस्सा कर रहा होता हूँ और साथ उसके नेहा होती है जो कि हाजरा के कैरेक्टर है। अच्छा। अब मैं आया हूँ, मैं एक जोन बना के अपना कि यार मैं जाऊंगा और मैं सही गुस्सा दिखाऊंगा और मैंने दरवाजा खोला है और मैं गुस्से से बात कर रहा हूँ। यार अब मैं क्या करूँ ना, तो ये हमारा फन चलता रहता था। बट आई थिंक जो सबसे अच्छी बात थी इनिशियली कि इतने लोग थे कि मैंने अपने करियर में जितना काम किया आई थिंक इससे अच्छी टीम के साथ काम नहीं किया। हाँ। इतने इजी, इतने लेट बैक, एवरीवन सो नाइस टू वर्क विद, मतलब इट वाज अमेजिंग। जेन्युइनली जेन्युइनली किसी की लड़ाई नहीं हुई। हाँ, ये ब्लेसिंग है पता है, ये इट्स रेयर। बड़ी कास्ट हो और ये ब्लेसिंग है कि सबकी केमिस्ट्री आपस में मिलती हो, लड़कियों में आपस में जेलेसी ना हो। मेकअप आर्टिस्ट से लड़ाई ना, तुमने उसका मेकअप ज्यादा अच्छा कर दिया। बल्कि ये तो मेकअप शेयर करते थे एक दूसरे से। बल्कि कल रात को ही कोई 2 बजे मेरी और जोया की बात हुई थी कि आप पहन क्या रहे हैं। अच्छा मैं ये पिक्चर सेंड कर रहे थे। अच्छा सुने वो अली अब्बास की जरा कॉल तो ले ले भाई। हाँ मैं तो अब नाराज हो गई हूँ उनसे, मतलब ये तो हद हो गई है। हम भी नाराज हैं, हम भी नाराज हैं, नहीं करते बस बिल्कुल। कॉल करके बात ही नहीं करेंगे, हम चुप बैठे, कॉल करके साइड पे रख देंगे। भाई आपका ड्रामा मतलब 3 घंटे तक नाजरीन देखेंगे, तो आपको यहाँ आके उनको बताना चाहिए कि वो क्यों देखें। बिल्कुल। अच्छा 3 घंटे कहने में बहुत ज्यादा लग रहा है, बट आई एम श्योर कि एक बार ऑडियंस अगर बैठ जाएगी तो वो उठेगी 10 बजे के बाद। मेरे पास कोई चीज ही नहीं होती देखने, तो मैं क्या करूँ संडे को? हमारी भी संडे को लेकिन मैं सिर्फ अपने ड्रामास पे कैच अप करती हूं। हां सारे ये करते हैं। हां हां चलो अली से बात करते हैं जरा। अस्सलाम वालेकुम, उनको डांटती हूं प्लीज डू। अस्सलाम वालेकुम। उठा दिया ना हमने आपको सोते से। आप ना ऐसे ही हमेशा धोखा देते, नहीं आते ना आप। आपका ड्रामा सही है, मैं आपका ड्रामा 3 घंटे नहीं 2 घंटे देखूंगी बस। नहीं, क्या क्यों नहीं आए? वजह
जो लोग मेरे मेरे पास जो लोग सुबह सुबह नहीं उठ सकते वो रात भर सोते नहीं फिर वो शो के बाद जाके सोते हैं। नहीं उन्होंने मुझे आइडिया ये दिया था, आर्यन ने मुझसे कहा था सारी रात सोना ही नहीं। हाँ। मैंने ये कहा था। हाँ। हाँ। यही किया मैंने भी। हाँ। हाँ। कि जागते जागते आप लोग चंद अल्फाज मेरे लिए बोल देना। क्या बोले, मतलब आपकी शान में कुछ कहें आप ये चाहते हैं? ओके आप लोग सारे प्लीज एक चीज करते हैं, मैं आपके शो में जब भी आऊंगा तो क्राउड हमेशा अली 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 करता है, तो अगर आप ओहो भाई जान अच्छा बात सुन अली, अब नहीं मैं तो बदला निकालूंगी ना कि आप नहीं आए, एक ना कोई कोई एक एक बुरी बात बताओ अली के बारे में। चलो नहीं नहीं ऐसा ना करो वरना बहुत सारी पता है हमें कहां से शुरू करें। तुम लोग अगर बताओगे ना तो गलती हो जाएगी। नहीं करो अच्छा पहली तो ये है कि सुबह नहीं उठ सकते। हां ओके दूसरी दूसरी क्या है? अच्छा ये ना जैसे मैं अली मेरा सबसे पहला और सबसे अच्छा दोस्त है इंडस्ट्री में, तो हम ये जब भी आते हैं ना हम लोग इतनी सारी बातें शुरू कर देते हैं और इसकी वजह से मैं इतनी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, काम से इतना हट जाती हूँ कि मुझे डांट पड़ चुकी है कि हाजरा यू नीड टू गेट योर वर्क डन, तो हमेशा ये मुझे डिस्ट्रैक्ट करता है। बातों में लगाने का मास्टर। देखिए जी एक तो आप सुबह नहीं उठ सकते, दूसरा आप गप्पे मारने में मास्टर है, आप दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करके खुद अच्छी एक्टिंग कर जाते हैं, ये चलाकी हम सब। मेरी बात सुने, इनको खामोश कराना हो ना तो वसीम साहब को बुला लेते हैं। या बस इतना अच्छा अच्छा आई शुड डू दैट ऑन सेट। जब वसीम सर होते थे तो अली भाई खड़े होते और मैं कहती थी कि वसीम साहब आर सर आ रहे हैं और अली भाई यूं करके बैठ जाया करते थे। वो होता है ना कि अली अब्बास इनकी बुराइयां बताने के लिए, अली अब्बास नहीं अली अब्बास बताने लगो इनकी बुराइयां, मैं इनकी बताने लगो बुराइयां, मैं बता रहा हूँ एक दो तीन। क्या क्या गुड मॉर्निंग ये देखो ड्रामा एक्टर के घर पैदा होने का ये है कि बचपन से ड्रामा इतनी ड्रामेबाज है। थैंक गॉड आई एम सो हैप्पी। मतलब सो एम आई मेरे अपने टीम बता रही है वो सोते रह गए हैं। नहीं मतलब यार क्या कर, देखिए सरप्राइज एलिमेंट रखना था ना। बस साहब आपका बेटा बहुत ड्रामा, मेरी बात सुने बहुत ही बड़ा। हमें ये पता चला कि ये प्ले जो है वो 3 घंटे चलने लगा। मैंने कहा ये सरप्राइज हमें मिला है तो हम भी तो सरप्राइज दें। और कल तक मैं भी और आरिज भी इसको कॉल्स करते रहे कि अली प्लीज आ जाओ। आरिज कॉल आरिज क्या क्रेडिट खत्म हो चुका है, आरिज मुझे से बेल मारता है एक दफा 10 दिन में पढ़ना नहीं। अच्छा हम सबके नाम हमें नाम बताना चाहिए ना, हम कोशिश करेंगे लोगों को नाम याद करा दें। वो 3 घंटे उन्होंने जिन लोगों को देखना है संडे को 19 सितंबर से, जो आपने ये हमारे अपने देखने मेरे अपने के नाम से, तो अली अब्बास का नाम है उमर है ऐसा ना, आपका नाम उमर है ड्रामे में सारे इतने ड्रामे भी ना करें नाम भूल जाए। मेरी बात सुने ये मेरी बुराइयां कर रहे थे, अब मैं भी इनकी बुराइयां बताऊं सबकी क्या मैं आया इसीलिए हूं। 2.5 घंटा है आपके पास, नहीं करें यार मैंने रिकॉर्डिंग में भी बंद करके आपसे मैं जाना भी बड़ी मुश्किल रिकॉर्डिंग में। अली का नाम उमर है ड्रामे में जी, आगा का नाम जो है काशिफ, काशिफ ये मेंशन नहीं था शुक्र। अच्छा ये काशिफ है, आगा मुस्तफा काशिफ है, मैं उमर हूँ, ये उसामा है, ठीक है वो नेहा है, आपको याद है हाजरा जो है वो क्या है नेहा, लोगों को वो नहीं समझ आएगा नहीं याद नहीं ज़ैनब रमशा है और ये और वो शुमाइला और वो बाप से मानी जोया जो है वो शुमाइला है। ओके और ये आपका जो काम है आज मेरे ऑडियंस का, आप नाम याद करें शुमाइला रमशा नेहा काशिफ उमर उसामा, मुझे तो याद हो गए। एक ब्रेक के बाद आपका टेस्ट होगा, एसएमएस करके बताएं किसका क्या नाम है ड्रामे में, 3 घंटे देखना है 19 सितंबर को मेरे अपने। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सबको जगा रही है वो फूल लेके चोंच में, ये सब नेहा का किया धरा है, मेरी रमशा उजड़कर बैठी है तो नेहा की वजह से, शुमाइला की गोद वीरान हुई है तो नेहा की वजह से, उमर जो घर छोड़कर चला गया वो भी नेहा की वजह से। झूठे पे खुदा की लानत है, मुझे उस घर में नहीं रहना जहाँ पे मेरी बहन की खुशियों को बर्बाद कर दिया।
मरियम मेरे और उमर के दरमियान आ रही है। मेरी मोहब्बत पर, मेरी नियत पर शक कर रही। बेटियां ब्याह के तो बादशाहों की गर्दन में झुक जाती है। अगर रमशा को तकलीफ पहुंचेगी तो खुश मैं नेहा को भी नहीं होने दूँ। इसको खुश रखो, तुम्हारी बहन उस घर में खुद ही सुखी रहे। जिन रिश्तों की बुनियादें जरा जरा सी बात पे हिलने लगे तो कभी पायदार नहीं होती। सही कह रही हो तुम। अपने आंगन के खिलखिलाते फूलों को देख रहा हूँ जो ना जाने कैसे मुर्शा से गए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज माशाल्लाह से मेरे पास 6 लोग हैं इस ड्रामे से रिलेटेड, और भी इसमें कास्ट शामिल है मेरे अपने। आप संडे से देखेंगे 19 सितंबर से 7 बजे से 10 बजे तक। इसकी राइटर हैं कुरतुलैन अख्तर एंड दिलावर खान, दो राइटर एक साथ मिलके। इसके अंदर बहुत से दो लोग हैं, बहुत सारे मतलब दो राइटर्स हैं, दो डायरेक्टर। अगर इसको हाँ शॉर्टन अप करें समरी को तो डायरेक्टर भी दो हैं। हाँ हाँ डायरेक्टर भी दो हैं। तहसीन कौन? तहसीन खान एंड मोहसिन मिर्ज़ा साहब। मैं तो तहसीन मिर्ज़ा कह रही हूं। नहीं नहीं, वो ऐसे तहसीन मिर्ज़ा ही है, कैसे नहीं कर सकते, तहसीन मिर्ज़ा ही कह सकते हैं। लेकिन स्टार्ट किया था इसको मोहसिन भाई ने। नहीं नहीं, वो एक ही है मतलब आप कह सकते हैं, लेकिन वो हमारे एक अब्दुल्ला सेजा प्रोड्यूसर है आई ड्रीम्स के। और उसके अलावा क्यों सुबह सुबह आप मुझे छेड़ी? अच्छा, तो मोहसिन भाई ने ये प्ले शुरू किया था हमारे साथ, और हम सब तो खैर पहली बार काम कर रहे थे मोहसिन भाई के साथ। तकरीबन 2 स्पेल्स मोहसिन भाई ने बहुत अच्छे से नहीं कोरोना नहीं हो गया था। हमारे एक बहुत सीनियर एक्टर हैं तनवीर जमाल साहब। जी जी, मेरा ख्याल ऑडियंसेस को नहीं पता, लेकिन इज अ कैंसर सर्वाइवर। ये नहीं पता इज अ कैंसर सर्वाइवर। और अनफॉर्चुनेटली उनका कैंसर ड्यूरिंग द शूट आफ्टर द सेकंड स्पेल रिलैप्स कर गया था। ओए, तो मुझे पता ही नहीं है। जी जी, तो उनका बहुत हमारा, क्योंकि वालिद हमारा, हमारे कैरेक्टर उनका हमारे वालिद का है, तो वो हमें शूट कुछ अरसे के लिए स्टॉल करनी पड़ी। उसके बाद फिर मोहसिन भाई का दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, जाहिर है उनकी अलग कमिटमेंट थी। तो फिर तहसीन खान साहब आए एंड वी आर सो लकी कि तहसीन ने जॉइन किया, बिकॉज तहसीन ने जो का कौन सा ड्रामा है ये, मतलब लाइक तहसीन ने किए, मैं वो एक हॉरर सीरियल किया उसने एबी के साथ और जियो के साथ, बहुत काम किया हुआ। अच्छा, और वेरी टैलेंटेड गाय, यंग गाय। सब पूछ पाछ के आप लोगों को बता दूं ना, ताकि आपने अपना टाइम। लेकिन तहसीन की बात ये, हां, कि उसने हमें क्रिएटिव मार्जिन बहुत दिया। अच्छा, और उसने ही टुक हिज टाइम, उसने आकर हमें डिक्टेट नहीं किया कुछ, समझा सबके कैरेक्टर्स। जो राइटर्स हैं ये दो राइटर्स का तो हमें नहीं पता कुछ की क्या है। हमने सर जोड़ के लिखा, वो सिलसिला वी डोंट नो दैट। हां, वो सिलसिला है प्यार। अच्छा, आप लोगों के अलावा जिस वक्त हमें नजर आ रही है कास्ट, उसके अलावा कास्ट में शामिल हैं इनके अब्बा वसीम अब्बास, तनवीर जमाल साहब, फिरदौस जमाल, और हुए आयशा खान। नहीं, आयशा खान, हाँ वो मुझे पता है, बड़ी वाली। बड़ी वाली आप क्यों कह रही हैं? बड़ी वाली बड़ी वाली छोटी है, बुरा लग जाए। वो अगर वो सुनेगी तो बहुत बुरा लगेगा। तो मैं आयशा ही कहते थे। बल्गेरिया से कॉल करेंगे, बल्गेरिया से कॉल करेंगे। मेरा तुमने मुझे बल्गेरिया से कॉल करेगा, आप देख लें, गलत हो गया, मसला हो जाएगा आपके साथ। आपने क्यों बड़ी वाली आप देखिए कॉल आएगी। हाँ, पुरानी वाली, बराबर वाली, यही पुरानी वाली भी बात करनी है। बराबर वाली, बराबर वाली, बस आयशा, आयशा खान दिखा दो, आयशा खान 2 दिखा दो, आयशा खान 2, आयशा खान पेन कर दो, 2.0 वर्जन 2। अच्छा, और कौन का? अनाया अली, हुमैरा बानो। अनाया अली नहीं है, वो अनाया खान है। अनाया खान है ना। हां, मरियम परवेज है। मरियम परवेज, वो जो परवेज कौन है? मरियम परवेज, पता नहीं, यही नाम है वो तो ब्लॉगर है। नहीं नहीं, मरियम परवेज, मरियम परवेज वही है ना, कौन वो जो लेट एंट्री हुई थी ड्रामे में? ओ जी, है ना। अच्छा, कौन है? आज ही पता चला। अच्छा, इसका लव इंटरेस्ट है मरियम परवेज। ड्रामे में बेचारी वो फंस गई। हाँ, ड्रामे में कौन फंस गई? कौन फंस गई? नहीं, कुछ फंस गई। ड्रामे में। अच्छा, अभी जो पोस्टर में एक आपको शख्सियत नजर आ रही है उसामा खान, वो नहीं आए क्योंकि उनके अब्बू को कोरोना का कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो वो वहीं अब उनकी खिदमत में रुक गए हैं। तो मैंने कहा यार जरूरी है। नहीं, बिल्कुल, अल्लाह ताला उनकी, मेरे अपने में माँ प्रॉब्लम हुई तो यहाँ मेरे अपने, कोई बात नहीं, अगली दफा उनको बुला, इंशाल्लाह अगली दफा मेरे अपने
का जब सीक्वल बनेगा 2.2 तो उसमें फिर वो सीन रेटिंग आएगी तो फिर बुलाते हैं। हां रेटिंग आती तो बुलाते हैं ना सेलिब्रेट करने। बुलाते नहीं बुलाते सुनिए एक मिनट आ जाती होती है हमारी मैं बता दूं आपको बापदा हमारी है बड़ी जगहों पे आ जाती है। अगर ड्रामे की रेटिंग नहीं भी आ रही होती तब बुलाते हैं ताकि यहां से पता चले हमारी तो आती है रेटिंग माशाल्लाह तो फिर यहाँ से लोगों को ये भी होता है मतलब ये एक सपोर्ट सिस्टम होता है। कभी कभार हम उन ड्रामों को पिक करते हैं जिनकी रेटिंग आ रही है उनकी वजह से हमारी रेटिंग आती है और कभी कभार जिनकी नहीं आ रही होती रेटिंग उनको यहाँ बुला के हम ड्रामे की दिखवाते हैं। तो मैं आपको दो चार प्लेस बताता हूँ वो चलवा देना यार वैसे उनकी भी आ जाए क्यों हमारा नंबर वन चैनल है हमारे ड्रामों की आती है। देखो ये गलती सुबह सुबह गलती होती है मेरे साथ इट्स अ मिस्टेक। ये जो है ना ये बातें जो है कुछ यहीं पे ही समझ आएंगी आप लोगों को मैं ट्रांसलेट करके समझाऊंगी फिक्र नहीं कर। अच्छा वैसे आप लोग बहुत एक दूसरे की बात समझते हैं मैं जरा टेस्ट लेती हूँ आप लोग। अच्छा आप आपके पास मॉनिटर बंद करो सबसे पहले तो इस टेस्ट मॉनिटर पीछे वो लड़कियों को नजर इतनी नींद में पता नहीं है मॉनिटर लड़कियां इसलिए सामने हमें पता भी नहीं चल रहा कि क्या गलत कभी बाल ये जा रहे हैं कभी बाल ये जा रहे हैं। आप लोगों के पास जो तस्वीरें रखी है देखना नहीं उसको ठीक है आपने नहीं उसको देखना आपने सिर्फ उसको उठा के लड़कियों को दिखाना है ठीक है ठीक है। और ये आपको कसौटी यानी आपको गेस कराएगी कि आपके हाथ में किस शख्स की तस्वीर है। 20 सवाल है हमारे पास करने जी नहीं कोई सवाल नहीं टाइम नहीं है ओके। जब मुझे लगेगा शो ड्रैग हो रहा है तो मैं 5 4 3 2 1 चलें जी लेट्स डू दिस बॉय ड्रैग नहीं होने देंगे नहीं ड्रैग नहीं होने देंगे। हां ड्रैग मुझे पता है आप है नहीं मैंने किसी पिटी मोहब्बत में बहुत ड्रैग किया बहुत अच्छी रेटिंग आई। अच्छा हां ये कहां है आप सर। अच्छा बात सुनिए ये पकड़ा है ना ऊपर करें उनको तो नजर आए बेचारे रेडी रेडी हां रेडी रेडी स्टडी चलो भाई इनका नाम नहीं बताना क्या ठीक है कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा। एक बहुत पुरानी फिल्म एक्ट्रेस है हमारी बहुत अच्छी जो कि अच्छा, अभी तक आयशा खान को पुरानी कहने नहीं दे रहे हैं सीनियर बाजी की तरह। माय गॉड ओ मीरा आपको पता है एक शो में अहमद फराज साहब के साथ उन्होंने अपनी पोएट्री सुनाई। नहीं यार वेरी गुड ओके ओके चलो उन्होंने नहीं देखना ठीक है। मासूमाना सवाल करते हैं मासूमाना सवाल करते हैं मासूमाना सवाल करते हैं अभी इन्होंने अपने आम लाकर अरे अरे वो आम खिलाते हैं मासूमाना सवाल वो आम खिलाते हैं ये मासूमाना सवाल इनके नाम का एक ड्रेस ना कहा जाता है कि बादाम 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 खाने से याद या आपकी दिमाग तेज होता है तो ये बात कर रहा हूँ। जी नहीं बॉयज वन गर्ल जीरो आपका डिस्क्वालीफाइड अब देखो एक मिनट ओवरलैपिंग होगी तो फिर डेटिंग नहीं आएगी ना। ओह सॉरी रुक रुक के आपके ड्रामे की भी आनी चाहिए शो की भी आनी चाहिए ओके हाँ जी जो स्कूल के एजुकेशन बिल्कुल सही सही जवाब इतना मौका था कि हमारा जो बेचारा कैमरा मैन शख्स है यहाँ पे मामला बहुत खराब है फिर चलाइए चलो उठाओ अगली पीछे देखिए बगैर ओके हाँ ओ यार ये टूटी फ्रूटी हूँ मैं तारीफ तो कर लो तारीफ करने होता लेकिन अभी मैं तय कर लो एक पहले तुमने बोलना फिर तुमने ताकि समझ तो आए ये तो नहीं हो पाएगा चल रहे हैं ओवर ओवरलैपिंग हां ओके उल्टी उल्टी पुल्टी मैं तेरे सामने हम आज किनके मेहमान हैं अपने ये क्या कसौटी हुई सोहेल बड़ा है साहब
हम आज शो पे किसके मैच? अच्छा निदा, निदा जी मैंने अपने ना फॉरन मैंने होटल बना लिया सुहेल भाई नहीं वो मुझे लगा वो मेहमान वाला शो को करते थे भाई ये कसौटी है थोड़ी कि हम इनके सामने खड़े हुए वो बादाम खाते हैं ये क्या तुम लोग कसौटी खेल रहे हो क्या कर रहे हो आप निदा बोलते थे सीधा वाह 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 नाम क्या करते आइए आपकी बारी अच्छा हमारी बारी है हां Boys, two girls, भाई पॉइंट्स लिखते रहो अपनी तरफ से शट अप मेरे पास तुम हो यस खलील रहमान खलील रहमान खलील रहमान समझदार है माया को तुमने कभी बेचारे को शेकअप करते हुए देखा है शट अप हमारे सीधा साधा आदमी घबराना नहीं मतलब घबराना आगा योर टर्न सीधा उल्टा है आप उल्टा है दो टके की औरत आयशा खान हुमायूं से यस हुमायूं से ओके 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 गुड गुड अरे तो वो दोनों के साथ ही है ना डायलॉग बोलने वाले का कहा था अभी तुम्हारी बारी कहने का शायद कुछ भी हो सकता था यार नहीं मैंने नहीं देखा सॉरी या पार्टी कर रही है the party girl the party girl the party girl सही पहचान गई बेचारी दाना नहीं दाना नहीं the party girl मेरे लिए मैं pronounce नहीं सही कर रही तो हाँ दाना नीर दाना नीर दाना आरे यो दाना नीर नहीं दाना नीर है शादी हुई है अभी मिनल क्या हो गया तुम लोगों को दाना नीर मिनल मिनल क्या लगेगा तुम्हें तरीज बोलूं हाँ बुरा लगेगा मिनल मिनल अच्छा मजे के बाद नहीं नहीं क्यों कहते प्यार का नाम था ओ अरे बंद करो ये तमीज ये किन लोगों को बुलाया हुआ तुमने यार ओ फैसल कुरैशी या नाइस नाइस यार आई लाइक इट वैसे मैं सॉरी बोल रहा हूं वेरी नाइस दिस इज द ओनली नहीं उन्होंने बिल्कुल ठीक किया था जो किया था बिल्कुल ठीक दी एंग्री यंग मैन एंग्री यंग मैन सीधे कर लो भाई दीवानगी आपकी बेस्ट फ्रेंड या अच्छा आपकी बेस्ट फ्रेंड है हां मेरे बहुत बहुत करीबी दोस्त या या बहुत करीबी दोस्त बहुत इतनी सोच के बोला करीबी दोस्त हां अरे थोड़ी देर यूं ही रहने ये कोई लड़की है ये कोई लड़की है अरे अरे यार बेशरम तुम लोग लग रहे हो बेशरम इंस्टा तुम लोगों ने हां देखो साहब बात बड़ा 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 हिट ड्रामा था इस ये नहीं बेशरम लगे जो एक साथ उन्होंने हाय देखे उनकी मतलब हम सब फैंस होंगे हां सब फैन हैं हम भी फैन हैं खत्म हो गई एक चीज जो कि हॉबी बन गई है और अब हम उसको स्क्रॉल करते हैं 1.2 मिलियन ओके 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 इंस्टाग्राम चलो आप लोग एक पॉइंट पीछे हो बाय द वे मुझे लग रहा गलती से ये कैंसर है हमारी सोसाइटी के लिए एक एक मैं हिंट दूंगा वो जिनकी हमने बात की जिनको हमने बूढ़ा नहीं कहना है या पुरानी वो आयशा नहीं नहीं कोई बंदा नहीं वो करती थी हां कैंसर से याद आया मैं तो वाकई वो पुरानी वाली आयशा खान समझती मैं समझती हूं बुजुर्ग आयशा खान नहीं नहीं वो वाली नहीं है फिर कोई ना ना वो वाली आयशा खान नहीं है वो जो प्रोबेबली शी इज यंगर देन द न्यू आयशा खान जो वो वाली आयशा खान ऐसा कहते ऐसा उन्होंने कहा है नहीं वो वाली आयशा अच्छा अल्लाह ने बहुत कंफ्यूज मैं कितना ऐसा कहा है भी थे आपको अगर आपस की बात बताएं मुझे आप ब्रेक में ओ यस ओ यस ओ यस ओ यस याद आ गया मैं बोल रहा था क्या था आउट था ओ यस था जिसके साथ हुआ उसने बता दिया उसी का इग्नोर ड्रामा देखवाना है ना लोगों को टॉपिक चेंज कर दे नहीं ड्रामा लोगों को बहुत अच्छा लगे बड़े दिल से बना है There's a lot of hard work. अच्छा चलिए मैं मुझे बताएं क्यों देखूं मैं आपका ड्रामा क्या 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 हम सब हम सब की केमिस्ट्री केमिस्ट्री वो नजर भी आ रही है मिलके इतना अच्छा काम किया है मतलब वो कजन्स दिखाए हुए और वो अच्छा कजन खानदान की कहानी बस सारे कजन्स हैं मतलब हमारी भाभी भी हमारी कजन ही है ना कजन हम सब कजन सब कोई बाहर का बंदा नहीं है अच्छा अच्छा जरा बताओ कि कौन किसका क्या है मतलब जैसे चाचा का ये बड़ी कंफ्यूजिंग होती है रिश्ते ये तीनों मेरे भाई हैं अच्छा सबसे बड़े तीनों भाइयों की एक इकलौती एक इकलौती बहन हूँ ठीक है और हाजरा हमारी फुप्पू की बेटी है और हाजरा के भाई हैं उसामा अच्छा और मेरी जो खाला की बेटी है वो है जोया अच्छा और मेरी खाला की एक और बेटी है जो कि है इनाया नहीं वो हमारी भी खाल है और मेरे अब्बा बने हुए हैं वसीम अब्बास अम्मी है हुमैरा बानो अच्छा और वो इनकी फुप्पू हैं वो आप आपस में कजन्स नहीं है ना लेकिन नहीं और हमारे अब्बा हैं तनवीर साहब तनवीर साहब हमारी अम्मी है कौन नई वाली आयशा खान
और मैं तो दुआ करता था कि मुझे काट ही दिया जाए सीन्स में से. अच्छा उसकी वजह दो, एक तो वजह जो है वो परमानेंट वजह कि मैं उनके साथ सॉरी काम नहीं कर सकता उस तरह. दूसरी जो वजह थी वो ये थी कि उन्होंने अपना कैरेक्टर ऐसा बनाया हुआ कि आपको हंसी आ जाए. क्या बनाया हुआ था उनका कैरेक्टर? बहुत मजे का सीन उस तरह का. और हम सबकी जितनी आपस में बनती है, जो सीनियर एक्टर्स थे सेट पे, अली तो खैर वसीम अंकल से डरता था, हमारी सबकी कांस्टेंट एंटरटेनमेंट होती थी ना. अली अब्बास बीइंग अली अब्बास, ही इज ऑल कूल ऑलवेज, ही इज ऑलवेज स्माइलिंग. और अली अब्बास अपने जोर में ये वो वसीम साहब आते जी बाबा. उसके बाद ना अली अब्बास बस यू है और मैं देखता होता था अरे लेकिन ये हुआ क्या है, तो बिल्कुल चेंज. हां लेकिन हम सब का बहुत शुक्र रहता था वसीम अंकल के साथ, लाइक ही वुड टेल अ स्टोरी अपने थिएटर की. अच्छा सेट पे सबसे ज्यादा आप छह लोगों में से या उसामा भी को भी ऐड कर लेते हैं, सबसे गपूड़ा कौन है जिसके पास गप्पे होते हैं, किससे होते हैं? जोया. आज आई वांटेड टू नहीं बोल रही एग्जैक्टली, लेकिन जोया बहुत बोल जोया की होया क्योंकि बोलने का मौका नहीं दे रहे. ये नहीं ऊपर से मैं थोड़ी सो रही हूं. भाई इसको कॉफी पिलाओ, कॉफी पिलाओ या कोई कोल्ड ड्रिंक पिलाओ. नहीं उसके अलावा ना मैं खुद से भी ज्यादा बातें करती रहती हूँ और साथ में हंसती रहती हूँ. जोया जोया इज वन ऑफ दोज के अगर आप बात करें ना कि यार वो एक कुआं है और उस कुएं के अंदर वो फलाना, तो वो कहेगी कि मैंने वो देखा है और मैं वहां गई थी और वो ये हुआ था और पता फिर वहां पे ये एक्सटेंड करती है. जोया हैज बीन टू एवरी प्लेस एंड एवरी सिचुएशन. और आप कोई भी किस्सा बता दें बोलेगी ये तो कुछ भी नहीं है, नहीं जो मेरे साथ हुआ है ये तो कुछ भी नहीं है. जोया के साथ ऐसे तो मसले होते हैं. जोया तो बैठे बैठे कहती मेरे पांव का नाखून कहीं गिर गया. मेरा पांव का नाखून कहीं गिर गया, ढूंढो मिल नहीं रहा. और इसके फ्रेंड जिसको मैसेज कर रहा है, मैंने लोगों को ज्वेलरी ढूंढते हुए देखा है, मेरे मोबाइल का चार्जर घूम गया, मैंने किसी को ये नहीं पूछते थे मेरा पैर का नाखून कहीं गया. इसको दर्द हो रहा है. सोचे सेट पे सारे नाखून ढूंढ रहे हैं नाखून एडी एसोसिएट लगे यार नाखून तो सेट पे लेंस गिर जाता था यार लेंस गिर गया. नहीं लेकिन मजे की फर्स्ट लाइन आप भूल गए क्या था? असली नाखून टूट गया था जैसे. और बेचारी तो वो टूटा हुआ नाखून ढूंढ रही है कि वो लगा लूं मैं वापस. इट वाज हियर दो. हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं. ब्रेक के बाद सेट में सबसे ज्यादा खाऊ कौन था, खाता कौन था? अभी नहीं, ब्रेक के बाद बताएंगे. संडे को 19 सितंबर को देखते रहिए मेरे अपने. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. बुनियाद पे होगा, बट्टे सट्टे की बुनियाद पे. मेरे बेटे का रिश्ता उनकी बेटी से, उनके बेटे का रिश्ता मेरी बेटी से, ताकि हम बराबरी की बुनियाद पे बात कर सकें. मेरी बेटी की जिंदगी में जहर घोलकर यहाँ मुझसे हमदर्दी जता रही. चली जाओ यहाँ से. इसके घर वालों को भी पता चलना चाहिए ना कि दूसरों की बेटियों के साथ ज्यादती करें तो उसका अंजाम क्या निकलता है. तुम्हारे साथ भी वही करना चाहिए जो नेहा के साथ उसके घर में हो रहा है. अपने घर वालों को समझाओ, उनसे कहो कि हमें उसके चेहरे पर वही खुशी और वही मुस्कुराहट वापस चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा. वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आज आपकी मुलाकात हो रही है मेरे अपनों से, जो आपके भी अपने बनने वाले हैं. संडे से संडे से आप देख सकेंगे 7 बजे से लेकर 10 बजे तक. इस हफ्ते तो आपको 7 से 10 नजर आएगा ये ड्रामा. और अगर आपको पसंद आया ये एक साथ बैठ के देखने वाला आइडिया, तो फिर अगले हफ्ते भी यही करेंगे. तो डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे. वैसे संडे को कुछ और करने को होता नहीं है, मैं बता रही हूँ. कौन तैयार हो, कौन ब्लो ड्राई करे, कौन बाहर जाए, मुंह में है कुछ नहीं. मैं चुप इसलिए हूँ क्योंकि बहुत सख्ती से हमें तंबीह की गई है कि ओवरलैपिंग ना कीजिए. अभी डांट लगी हमारी. ब्रेक पे जाने से पहले मैंने इन लोगों से पूछा था, सबसे पहले तो जो पूछा गया हमने कि बहुत ज्यादा गपूड़ा कौन है, तो हमें पता चल गया जोया ठीक है गपूड़ी. अब हमने पूछा सबसे ज्यादा पेटू कौन है.
सारे यार मुझे तो तुम लोगों की फिजिक तो देख के पेटू नहीं यार बिकॉज मोस्ट ऑफ अस वर्कआउट हम सब वर्कआउट करते हैं मैं भी जोया भी अली भी आरिज भी आगा भी जैनब का मुझे आई एम ब्लेस्ड हाँ ये इसका जितना भी हाल है आप भी वर्कआउट नहीं हम सब की जो वर्कआउट की और डाइट की जो रिजीम है ना वो सबसे अलग है मतलब जैसे आगा की जो डाइट की है ना अच्छा चलिए सबकी डाइट वो ऐसी है कि आगा डाइटिंग पे पूरे सेट को बना okay. आगा जानी डाइटिंग पे हाँ जी और फिर आगा खा रहे हैं बिरयानी oh. और हम कह रहे हैं कि आगा तू तो डाइट पे था ना यार आगा ने कहा कि नहीं ये कार्ब्स मैं लूंगा चीनी तक ही लेता फिर 11वें दिन मैं ऐसा खाता हूँ ऐसा खाता हूँ ऐसा खाता हूँ फिर 12वें दिन खाता जैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिर दोबारा वापस अक्सर 11वां दिन अक्सर आ जाता है मेरा डाइट प्लान ऐसा है कि मैं कहता हूँ कि यार दो टी बैग्स आधे से भी कम चम्मच चीनी समझ रहे हो आधे से भी कम चम्मच चीनी और पूरा दिन कुछ नहीं खाऊंगा और मैं घर जाता हूँ और मेरी बीवी अपना सर पकड़ लेती क्योंकि मैं कुछ ना कुछ मंगवा के बेड पे आलती पालती मार के वो खा ओह तो आप इंटरमिटेंट कर रहे होते हैं नहीं मैं ये मेरा पचपन से इंटरमिटेंट चल रहा है ये ऐसा ही है आरएस की डाइट ऐसी है कि ये किसी दिन होगा डाइट पे किसी दिन ये डिजर्ट्स मंगवा के खा रहा है बैठ के अजीब से किसी जोन में खाए जा रहा है सब कुछ तो वो ऑन ऑफ डाइटिंग है यार मुझे आप लोग बताओ जरा आप लोगों की डाइट क्या होती है हाजरा तो एक कैरी करती है अपने साथ एक छोटा सा आइस बॉक्स उसमें हाजरा के वो ट्रेजर बॉक्स है उसमें बहुत सारी चीजें फ्रूट्स होते हैं वेजिटेबल्स होते हैं हाजरा का ओटमील होते हैं पॉइजन जहर जहर ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं सर्दियों में पॉरेज दलिया जो होता है ना मुझे वैसे ही बहुत पसंद है मैं सुबह उठ के ना वो स्पेशल बनाती हूँ बनानाज और ड्राई फ्रूट्स और हमें जब भी लंच लगती है बॉक्स लेके जाती हूँ और जब हमें भूख लगती है तो हम हाजरा से मांगते हैं क्या बात है और तुम तुम्हारा क्या डाइट होता है मैं कुछ भी खाती कुछ नहीं लगता मुझे लग रहा है मैं कुछ भी खाती लगती है खाने में क्या है खाने में क्या है खाने में क्या है हाय लेकिन ये इसकी दही जरूर होती है हम लोग खाना मंगवाते थे सेट पे अच्छा और मतलब हम सब ने खाया बहुत है वो एक थेरेपी बन गई थी हमारे लिए एक पॉइंट पे बोरियत होती तो बंदा खा लेता है कुछ मंगवा के साथ अगर आपने खाने का प्लान करना है ना तो आजरा कहेगी लेट्स हैव प्रोटीन वरना सोचेगा अब मैं क्या करूं ये क्या कर और अगर हमारे लिए सेट पे भी कुछ मंगवाती है तो वो अजीब अजीब से रैप्स ये डाइट रैप्स हैं ये खाओ इसको सारी जगहें पता है ना कि अच्छे होते हैं लेकिन वो रोज नहीं खा सकते यार ये ब्राउनीज ही मंगवाएगी तो उसमें किशमिश होगी शुगर फ्री पता नहीं मैंने कहा ये क्या बात है शुगर फ्री यानी कि ये इंडस्ट्री की फीमेल एजाज असलम है साफ साफ ये बोल दे ना मैंने बाजरा का नाम बिल्कुल फीमेल एजाज डन सही कंपैरिजन वैसे वो उनको मानूर बलोच भी कहा जाता है एजाज को तो आपको मैं फीमेल में एजाज असलम वो भी डिजर्ट भी खा रहे हैं तो उसमें भी पता नहीं क्या क्या कोई कैलोरी नहीं है और वो तो फॉरएवर डाइट अच्छा तुम बताओ तुम्हारी क्या जोया तुम्हारा भी कुछ भी खा इसका वो होता है ना हम सेट पे बैठे होते एकदम से आवाज आती है समोसे खाएं वो खाए वो ये सारे आइडिया जोया की तरफ से आते हैं। oh. इसका भी वर्कआउट बड़ा जबरदस्त है। तो बात तुम्हारी लगती भी है तुम्हारी बॉडी की तुम वर्कआउट करती हो तुम और खाती भी दबा के ओके अच्छा तैयारी में सबसे ज्यादा वक्त कौन लगाता है चलो भैया रुक ये तो उधर ही जाएगा तीनों मतलब लड़कियां ही ज्यादा चलो एक काम करते हैं लड़कियों में कौन तीनों में ज्यादा कौन टाइम लगाता है लड़कों में कौन तीनों में ज्यादा टाइम ये कर मुझे ये पता है कि सबसे ज्यादा जल्दी तैयार कौन होता है हाजरा है क्योंकि उसके बाल नहीं होते मेरे बाल ऐसे बन जाए ऐसे बने बनाए होते तो मेरे मेकअप में 20 मिनट्स लगते हैं अच्छा मुश्किल सबसे कम ये और तुम लोगों तुम तीनों में सबसे कम कौन है भाई लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि बस ये सब रेडी है मैं आ गया 10 मिनट में रेडी हो जाऊंगा मुझे कैमरे के पीछे भी सारी बातें पता है कोई छुपा नहीं सकता लेकिन ज्यादा भी क्या 10 मिनट 12 मिनट ही लगता है अब देखिए मुझे फॉर्मूला 1 नहीं पता लेकिन मुझे सेलिब्रिटीज के बारे में मुझे तो समझ नहीं आ रही अभी तो और क्या क्या आएंगे ठीक है अगला सवाल अच्छा हर मसले का हल पास होता है यानी सेट की जुबैदा आपका कौन अली हाँ हाँ अच्छा
मैं वो पहले भी बता चुका हूँ, मेरे बच्चे के दांत नहीं, ऐसा कोई मेरे पास वो नहीं होते, उसका हाजरा के पास होगा, वो हाजरा के पास होगा, मेरा होता है कि डील कैसे करना है लोगों से, पर्सनल रिलेशनशिप्स में क्या करना है, छेड़ता है क्या, ये कैसा लगता है, गुड लुकिंग है मुझे, मैं तो जूती उतार के मार रही हूं बस पे, ठीक आप क्यों मुझे यासिर भाई से जूता पड़वाने जा रही हैं, क्यों क्या चाह रही हैं आप, मेरा मेंटोर ही मुझे मारे, ऐसा नहीं, मैं पूछना चाह रही थी कि आप किस कैटेगरी के जो है, मैं पर्सनल, मैं सोशल, अगर वो उसकी बात, अपने मसले लेके अली के पास, अच्छा मैं अपना कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले मैं अली को कॉल करती हूं कि ये कैरेक्टर, एवरी सिंगल टाइम, हर प्रोजेक्ट, कुछ भी अगर मुझे ऑफर होता है मैं सबसे पहले कॉल अली को जाती है, अच्छा ये डिपेंड भी करता है वैसे, क्योंकि ये जितने लोग हैं ये सब मेरे बहुत वाकई बहुत करीब है, लाइक द हाजरा आरे स्पेशली लाइक फैमिली टू मी, बाकी ज़ैनब, ज़ोया, आगा, इनके साथ इंतहा दोस्ती है, इन दोनों को मैं पुराना जानता हूँ, तो हमारे जो, अच्छा मुझे सब बताएं सबके बारे में अलग अलग, इससे मशवरा ड्रामे के बारे में मांगा, ज़ैनब किस बारे में मशवरा मांगती, ज़ैनब मुझसे ज्यादा मशवरे नहीं मांगती, लेकिन ज़ैनब जो है मांगती है वो, नहीं ज़ैनब की अपनी, क्योंकि ज़ैनब के साथ मेरा इतना काम हुआ भी नहीं है पहले भी, तो वो, बट जनरली हमारा बड़ा अच्छा, ज़ोया किस चीज़ का, ज़ोया पर्सनल रिलेशनशिप्स के ऊपर बहुत काउंसलिंग की है मैंने ज़ोया की, अच्छा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मेरी वजह से कुछ भी हुआ होगा, लेकिन वायरल हो जाएगी ये बात, ये वो तस्वीर लगा दीजिए, मैं इसीलिए क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन वैसे जनरली ऑल ऑफ अस सपोर्टेड ज़ोया, मतलब ये एक्चुअली मुझे लगता है मेरे अपने वाला जो साल है हमारा हम सबका, इट वॉज सॉर्ट ऑफ अ डिजास्टर जिसमें से गुजर के वी बिकेम आउट एज सर्वाइवर्स इन ऑल पॉसिबल वेज, इनके साथ जो है वो पर्सनल भी, क्योंकि ये अकेले रहते हैं यहाँ पे, तो एट टाइम्स इनको कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, कारपेंटर उसका नंबर भी दे, नहीं नहीं कारपेंटर वगैरह तो ये माशाल्लाह खुद है, बट मॉरल सपोर्ट के लिए और एक्टिंग के ऊपर बहुत बात, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, सो आई रिमेम्बर एक था बड़ा difficult time, क्योंकि showbiz is a very difficult field to make it in, right? So I remember एक बहुत मुश्किल time से मैं गुजर रहा था अपनी जिंदगी के personally और professionally भी, उस time में मैंने इनके साथ एक project किया था, जहाँ पर नहीं नहीं अल्लाह माफ़ कर, वो बस बात वहाँ तक, ये थोड़ा और कुछ चल रहा था, तो I think that was probably definitely the lowest point of my life. वहाँ पे इनकी मेरी मुलाकात हुई एक सेट पे, जिस तरीके से his entire behavior, जिस तरीके से उन्होंने मेरे से बात की, ये मेरे अपने में इनको सही कास्ट किया, बाकी सबको अपने लगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे अंदाजा था जिस गेस्ट के साथ भी आते हैं उसने या तो आपको अपना भाई बनाया होता है या खालाजाद बनाया होता है, मतलब है कुछ ऐसा आपके अंदर, ये एक ब्लेसिंग है, आई एग्री क्योंकि वो या आप इतने लोगों के साथ काम करते हो लेकिन आप उनके बारे में मतलब नहीं सोचते या आप नहीं करते कि यार अच्छा ये, हाँ ये भी है, ठीक ये है। एक इंसान के लिए अल्लाह की तरफ से आपके पास ब्लेसिंग है कि आप सबके लिए कोई ना कोई, इनका हल नहीं बताया आपने, इनको क्या मशवरा, इनकी पूरी जिंदगी का हल मैं हूं इनकी इनकी ये जब बचपन में पैदा हुए थे तो तब से ये मेरे हवाले कर दिए गए थे और तब से हाँ, ये भी आपके रिश्तेदार हैं, मतलब कभी कभी मुझे नहीं 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 ये मेरे रिश्तेदार नहीं है लेकिन रिश्तेदारों से ज्यादा है शायद, लेकिन इसका ये मामला है कि हाजरा का और इसका ये मामला है कि इनके मामला में मैं बिला झिझक इनके कहे बगैर भी घुस जाता हूँ और इनको डांट भी देता हूँ, इनको समझा भी देता हूँ, इनको रोक भी देता हूँ चीजों से। अली ने भी मुझसे बहुत डांट खाई है। मैं तो खैर इससे बहुत डांट खाता हूँ, हाजरा से मेरी मुझे बहुत मेरी क्लास होती है लेकिन वो मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि मैं सेल्फ प्रोक्लेम्ड लीडर ऑफ द लॉकर रूम। अच्छा पता है एक हैरानगी की बात है, हम लोग ना गिन रहे होते हैं कि मेरे खानदान में कितने लोग शोबिज में, और लोगों को नहीं पता कि पत्थर उठाओ तो अली अब्बास का खानदान वाला भी निकलेगा कुछ। मेरे तो बाजू का मुझे पता भी नहीं होता कि मेरा रिश्तेदार है। इतने सारे टैलेंटेड लोग जो हैं वो आप लोगों के खानदान से हैं और सारे अच्छे एक्टर्स ना, कोई भी एक माठा नहीं है। माठा नहीं है, नहीं 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 सब अच्छे अच्छे, नहीं सब क्या हो गया आपको, मैं सोच रहा था कि कोई एक माठा हो शायद, नहीं सब अच्छे। मैंने ये क्या इनसाइड जोक था, ये क्या इनसाइड जोक था, मेरे सारे रिश्तेदारों के साथ उठती बैठती है ना, तो इसलिए माशाल्लाह मैं सबके रिश्तेदारों के साथ उठती बैठती हूं। मेरे तो कीड़ों की तरह फैले हुए ना पूरी इंडस्ट्री में, कहीं ना कहीं आपको मिल जाते हैं, ना करें नजर लग जाएगी, अभी आगे भी आने हैं। नहीं पता था कि रमशा भी इनके रिश्तेदार हैं। अरे हाउ नाइस, हाउ नाइस, रिश्तेदार कहीं से होते हैं, रिहान शेख भी कहीं से होते हैं ना, कहीं से भी नहीं होते, हम राजपूत हैं, आवा की अम्मी के रिश्तेदार हैं कहीं से, ऐसा कुछ दीवार के उस पार कहीं होंगे, नहीं किधर उस पार नहीं पता नहीं, मैंने कहा यार इतने सारे खानदान वाले माशाल्लाह है,
नहीं सिंगर्स भी हैं मेरे मेरे अली अजमत मेरे कजन है देखे ना ये अली अजमत ओह माय गॉड यू आर सो कूल ये सरप्राइजेस देने में मास्टर है यार बिना दिल मेरा नहीं लगे और बताएं और मुस्तफा जाहिद मेरा कजन है नाइस यार अली तुम्हारी तुम्हारा लेवल जरा अप हो गया और बताएं और भाई मतलब सोतेले वाली पे बता दूं क्या बता दे और क्या एक और इतने काफी हैं सोतेले वाले हमें पता है सबको पता है इतने काफी हैं no, no, don't go that way. Okay. Go this way. Go this way. अगला सवाल. Shots fired. Shots fired. Next question. Sorry, Nita. अगला सवाल है ना अपना favourite कौन है? मैं अपना favourite हूँ. मैं अपनी favourite हूँ. अपना favourite कौन है? मतलब like Zoya. Kind of. हाँ वैसे सेट की जो जान जैसे होता है ना उसमें मैं कहूंगी कि 70-80% जोया है बिकॉज हम सब ज्यादातर हम सबको जोया ने और उसपे पागल होगी खुद ही हंस हंस के और हमारे बड़े इमोशनल से सीन्स है और सीरियस से सीन्स है और हम वो कर रहे हैं और इसकी रैंडम एक ना एक लेम सा जोक आता है वो जोक फनी नहीं होता उसके बाद उसकी हंसी आती है वो देख रही है अभी ये करती है ये करती है वो हंसती रहेगी ना आपको फिर हंसी आ जाती है जो मेरे कपड़े ढूंढ के लो हाँ करूंगी मेरे कपड़े लग गए इसके बाकी बहुत कपड़े सेट से गायब घूम के वो लगता था खुद चल के कहीं चले गए हम लेने आला ओ माय गॉड अच्छा हाँ अच्छा थोड़ा सा गुस्से का थोड़ा सा जरा तेज कॉलर कंपैरेटिवली ये नहीं नहीं ये क्या हो रहा है मैंने आला जाने सारे दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे है आवा थोड़ा सा क्या तुम खाने में क्या खाते हो गोश्त अदरक बिरयानी नहीं बहुत कम लेकिन गुस्सा वो जो याद आते हैं ना तो फिर आता है वो फिर वो गुस्सा किया किस पे इसने जब हम आपस में जब हंसते हैं तो किसी के पता चल जाता है मूड से कि अच्छा आप नहीं हंसना तो फिर मुंह उधर करके हंस लेते हैं फिर भी भीड़ बहुत है आगा के सीन में मैं तो कभी नहीं हंसा भाई मेरी भी सीन वाला मसला नहीं है मुझे गुस्सा मेरे बस थोड़ा सा मसला है कि कभी कभी ना स्टुपिडिटी में मुझे गुस्सा आता है अच्छा तो प्रोडक्शन आपको पता है वो इतनी स्टुपिड हरकतें कर रही होती है सेट्स पे कि वो एकदम से ना बिल्ड अप होते 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 क्या कह रहे हैं अब्दुल्ला ही हम लोग आज किसी अलग ही जोन में हैं आई एम अनसो सॉरी अगर आपको समझ नहीं आ रहा मंडे को आपको ट्रांसलेट करके बता दूंगी आई डोंट नो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी इनके सेट पे ही थी मैं भी इनके जोन में चली गई ओके अच्छा इंडस्ट्री की हर खाला पुप्पी वाली खबर किसके पास हो रही है सारे एरोज में तुम जीत रही हो पता है आज ये हुआ क्या हुआ इधर आओ मैं तुम्हें बताती इधर आओ यार तुम लोगों ने सोचा पकड़ पकड़ के बताते हैं सबको बूढ़े बाप रे पेट की हल्की है ये नहीं घर भागने की जल्दी किससे होती है सबसे ज्यादा
क्यों तुम्हारे तो तुम्हारी फैमिली पंजाब में नहीं इधर ही है? नहीं तो मेरा घर नहीं है यहाँ पे. क्या करोगे जाके? नहीं, I love my alone. हाजरा के पास दो बहुत प्यारी प्यारी बिल्लियां हैं और हाजरा को उनके पास भागने की जल्दी होती है. अच्छा, इसने घर जाके अपना वर्कआउट करना होता है, मुझे लैपटॉप पे लगा के फिर इसने बिल्लियों को टाइम देना होता है. और लड़कों में किसको भागने की जल्दी होती है? लड़कों में तो मुझे होता है. नहीं, जब वो ना हो थैंक यू अरे तुमने मुझे नहीं तब भी मुझे बस 10 बजे के बाद मैं हर किसी से कहता हूँ कि बॉस 10 बजे के बाद ना मेरा मेंटल ब्लॉक लग जाता है. क्या करते काम घर जाके क्या करते हैं 10 बजे के बाद? एक दो चीजें तो मैं नहीं बता सकता कि क्या करता हूँ. इसके अलावा बचता कैसे होता हूँ, खाना खाता हूँ. मतलब तीन चार चीजें ही जो मैं करता हूँ. फिल्म में डिस्कस करता हूँ अपने आप से, जब बच्चे नहीं होते, बीवी नहीं होती. देखते हैं कि नहीं? टीवी तो लगा रहता है. टीवी जब बीवी बच्चे नहीं होते. वैसे ऑन सीरियस नोट, मैं जब घर जाता हूँ तो सबसे ज्यादा आई लुक फॉरवर्ड के मेरी बच्चे उठे हों. अगर अम्मा ने ना सुलवा दी तो 10 बजे तक बेचारे बच्चे कहाँ जुल्म करोगे? नहीं, मेरे बच्चे मेरे जैसे ही हैं. उनको सुलाने के लिए भी बड़ा वक्त और बड़ी मेहनत दरकार है. मेरी बीवी माशाल्लाह बड़ी करती है, लेकिन मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि वो उठे हों ताकि मैं उनके साथ कुछ बात. सारे अब्बास जो है ना, ये साजिशी होते हैं इस मामले में कि बच्चों को सुलाना नहीं. नहीं, वो जितनी अच्छी ट्रेनिंग कर रही है ना, मैं उतनी ही बुरी ट्रेनिंग करता हूँ. कोई बात नहीं, बैलेंस होगा. क्लासेस मिस करवा दूंगा उनकी, स्कूल से छुट्टी. वो बेटी अगर मेरी कहेगी कि आज कुरान क्लास में लगूंगा, हाँ कोई बात नहीं, इंटरनेट नहीं चल रहा, ऑनलाइन है सब कुछ. तो वो फिर उसमें मेरी बेगम काफी मेरी क्लास लेती है. चलिए जी, अब किस किस की क्लास कौन कौन लेता है ये मैं ब्रेक के बाद आके पूछूंगी. लेकिन आपने जो है संडे को मिस नहीं करना, 7 to 10 कोई टाइम नहीं रखिएगा. वैसे ही लॉकडाउन होता है, क्या करेंगे आप? तो आपने देखना है उस बोरिंग डे को, आपने फंडे संडे को फंडे बनाना है मेरे अपने देख के 7 to 10 तक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. जब तक इस दिल में धड़कन है ना, ये तुम्हारा ही नाम लेंगे. वादा किया कि मैं हम दोनों के दरमियान कभी दूरियां पैदा नहीं होने दूंगा. बड़े प्रेमी बने फिरते थे ना दोनों. मेरे होते हुए आप किसी और से दिल लगाते रहे. अगर ये खबर तुम्हारे भाई के घर तक पहुंच गई ना, एक नहीं दो दो रिश्ते टूटेंगे. नेहा ने तो फसल की आग में अपना ही घर चला. वही किया जो आम लड़कियां करती हैं. शादी के बाद अपने ससुराल मैदान चंद बना दिया. तो जी वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. मेरे अपने बहुत अच्छा लग रहा है देखने से. आप लोग बड़े प्यारे भी लग रहे हैं और सबकी शक्लें बड़ी फ्रेश आ रही हैं. कौन है कैमरे पे भी लाइटिंग वाइटिंग? सिकंदर भाई. अच्छा, दी ओनली कांस्टेंट, जो एक कांस्टेंट बंदा और जो एक कांस्टेंट पॉजिटिविटी रही है ना सेट पे, वो सिर्फ हमारे डीओपी जो है सिकंदर भाई, वो है. ये बड़ा आजकल जरूरी है ना कि आप प्यारे भी लगे हैं स्क्रीन पे. ड्रामा जो आप देख रहे हैं उस वो स्क्रीन पे अच्छा भी लगे. हमें शर्म आती थी, ऑनेस्टली हमें शर्म आती थी कि अगर हमारी एनर्जी लो होती थी और हम उनको देखते थे कि वो अपना बेस्ट दे रहे होते थे, हम कहते कि नहीं यार कुछ शर्म कर लो, ठीक से सीन करो. बिकॉज वो इतने पॉजिटिव हैं और हमारे इतनी तंग करने के बावजूद मजाल है कि उन्होंने कभी अपने काम में कभी कोई उन्होंने कमी आने नेवर. अच्छा, मैं सबका भी नाम पूछती हूँ ना, मेकअप में कौन था भाई? सबसे पहले मिनाहिल थी. अच्छा, उसके और क्योंकि ऑब्वियसली कुछ गैप आ गए थे बीच में, तनवीर साहब की तबीयत भी काफी खराब हो गई थी. लेकिन तुम लोग ज्यादा तो मेकअप में, मुझे नहीं लगता आजकल की लड़कियां इतना मेकअप कर रही होती हैं. हम लोग सारे अपना मेकअप खुद करते हैं ना, लाइट बेस सॉफ्ट, कैमरा इतने अच्छे आ गए और लाइट्स इतनी अच्छी हैं, सब कुछ पता लगता है कि क्या किया है. लेकिन लड़कों तुम लोगों को भी थोड़ा बहुत तो कुछ करना चाहिए मेकअप. बिल्कुल ही तुम लोग वो हो जाते हो. मैं थोड़ा बहुत तो वो जो थोड़ा बहुत है वो कर लेते हैं. हाँ, क्योंकि वो क्या चीज स्क्रीन रिक्वायरमेंट है. हाँ, उतना होना चाहिए वो, क्योंकि एक जमाने में नहीं किया करते थे भाई, अब तो जरूरत है. शक्ल भी अच्छी नजर आनी चाहिए वो. अच्छा, हाँ जी, हमने कोई एक्टिविटी करनी थी, भूल गए. अच्छा, ओके, आपके सामने. आप बोलती बहुत है. भूलती हूँ या बोलती हूँ? बोलती. मुझे बोलने के पैसे मिलते हैं. यही पता करना था मैंने, यही पता करना था. अगर ना बोलूँ तो? ओके जी, अब मैं जो हूँ चुपू, लेकिन देखते हैं कि आप लोगों के बोलने के, आपके बोलने के जो है ना, पश्तो गाना आने लगा मेरी बात. आपके बोलने के, बोलने का कितना असर दूसरे पे होता है. तो टीम वाइज खेलते हैं. ये हेडफोन हम आपके कानों में पहना देंगे, ठीक है? आपको कुछ नहीं समझ आएगा, सिर्फ वो गाना समझ आएगा जो हमने बहुत तेज आवाज में आपके कानों में लगाया. एंड
फिर हम आपको कोई भी सेंटेंस देंगे और आपको गेस कराना है अपने दूसरे लाइक दो टीम्स है ना लड़कियों को गेस कराना है लड़कों को गेस कराना है ठीक है ठीक है रेडी कौन जा रहा है पहले पहले तो लड़की लड़कियां लेडीज फर्स्ट जेंटलमैन ओके चलिए लड़कियों कौन लगा रहा है हेडफोन हाजरा हां हाजरा लगा रहे ठीक है अब तुम लोगों ने हेल्प नहीं करनी है अब साथी की अपनी सही से लगाओ तुम बालों की वजह से जो है बाल बड़ा है बालों की वजह से तुम्हारे कान नहीं देख सकते यहाँ तक आ रही है आवाज़ नहीं बड़ा है सॉरी लाओ थोड़ी देर के लिए हम उसको हटा ले छोटा कर लो अपने साइज का कर सेट हो जाए तो ये बताना नहीं सी आवाज़ आ रही है नहीं सी क्या आ रही है नहीं नहीं कंट्रोल काट दो ना मुझे मैं कानों में बोलू उनके जाके मेरे फुफ्फे के पास है बाकी मैं भूलती ज्यादा हूँ ओके मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि उधर आवाज ना जाए कोई एक बोलेगा तीन नहीं बोलेगा कौन बोलेगा पहले बताओ अच्छा ऐसा करते हैं जिनका एस कपल बना है ना वो करते हैं आपका सारी मुश्किल है पहला ये पहला खाली अभी पहला वो आसान है क्या था मुझे तो याद ही नहीं है अच्छा हाजरा तुम ये कभी नहीं कर सकती हो सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बता उसको समझ नहीं आ लंगड़ी लड़की लंगड़ी ठरकी हाँ यही नो 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 पर्सनल हो गए यार ये जातियात को उतर रहे हैं आप जातियात को उतर रहे हैं ये जातियात को उतर रहे हैं कुछ सुनाई नहीं दे रहा लंगड़ी अंकल सर के अंकल लंगड़ी पूरा जुमला ऑडियंस को बता दूं एक मिनट अली पूरा जुमला ऑडियंस को बता दें आवाज तो नहीं आ रही नहीं बिल्कुल भी नहीं आ रही होगी लंगड़ी मुर्गी उधर के चली ये है जुमला कसम से एक लफ्ज नहीं आ रही हां मुर्गी इसका तरीका बताओ ना पांच व्हाट मुर्गी पक पक पकाओ चेक 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 हाजरा शो खत्म भी हो रहा है हाजरा चार है वर्ड्स फोर वर्ड्स यस ये इस तरह बोलते हैं पहला वर्ड पहला है फाइव वर्ड लंगड़ी लंगड़ा लड़खड़ाना लंगड़ी मुझे लग रहा था ये ठरकी बोल सही ये टाइम लिमिट रखे लंगड़ी लड़की लंगड़ी लंगड़ी ओ व्हाट द वर्ड हाजरा हाजरा लंगड़ी लंगड़ी यार लंगड़ी हां लंगड़ी कुकड़ कुकड़ी मुर्गी देखा देखो ऐसे करते हैं भाई मुर्गी कह रही है वो आप कह रही है ऐसा करते हैं मुर्गी कह रही है मुर्गी मुर्गी मोटी मुर्गी हाँ मुर्गी 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 लंगड़ी हाँ लंगड़ी मुर्गी मुर्गी ये क्या कर रहे हैं चिकन चिकन नहीं खाते चाय कौन जान करता है चिकन 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 यस उर्दू में उर्दू में उर्दू मुर्गी लंगड़ी मुर्गी बस तू जीत गई दो हो गए ये जीत गई क्या था मैं भूल गई उधर मुधर के चली गई चली लंगड़ी से ठरकी निकलता है हां लेकिन ये मुर्गी पुदक पुदक के चली चलो पुदक पुदक के चली पुदक लंगड़ी मुर्गी पुदक पुदक के चली लंगड़ी मुर्गी पुदक पुदक के चली के चल रही है ओके ओके लगा रहे पहले हेडफोन सॉरी थैंक यू आज तुमने हार्ड रॉक हां ये वो हाँ अच्छा ओके हाँ कब्बे की काएं काएं बच्चों को रुलाए अच्छा कब्बे की काएं काएं बच्चों को रुलाए कौन कर रहा है नहीं अब तुम्हारे इसके साथ किसका है वो किसी के साथ तुम्हारे कोई हीरोइन नहीं बेचारे जैनब कर लेती है ना चले हाँ
कब्बा कब्बे कब्बे ये बत्तख नहीं है कब्बा है कब्बे की कौन लगाएगा हेडफोन काली बिल्ली की ये तो मुझे भी समझ नहीं आता अच्छा काली बिल्ली ये तो अजीब है मुझे नहीं अच्छा लग रहा है नहीं नहीं वो नहीं कर रहे कोई नहीं, और कुछ और कर रहे लड्डू जैसे गाल गिरनी जैसी चाल लड्डू जैसे गाल मेरे जैसे गाल ये गाल गाल लड्डू गाल और हिरनी 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 हिलते हिलेंगे हिरनी कैटवॉक करके दिखा दो चलती कैटवॉक की बिल्ली आ जाएगी हिरनी हिरनी जैसी चाल क्या उसके लिए है वैसे लड्डू गाल हिरनी 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 हिर हिरनी अब म्यूजिक बंद हुआ ना लड्डू गाल हिरनी जैसी चाल जैसी चाल चाल लड्डू गाल हिरनी चाल चलेंगे चाल चाल लड्डू जैसे गाल जैसे कैसे बोलो लड्डू गाल क्या लड्डू गाल हां हो गया देखो हो गया लड्डू जैसे गाल हिरनी चाल वाह 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 चलो अब किसकी बारी है वो बहुत लाउड म्यूजिक है जल्दी पूछे हो गया सही से लगाओ तुम हां नहीं मुझे आवाज आ रही है ओके फाइन रसगुल्ले खाओ जान बनाओ अच्छा सुन लिया मिठाई मैं दूसरा लगाए कान में प्रॉपरली नहीं सर पे लगाए बाल दोबारा मैं ब्रेक पे चली जाऊंगी बन जाएंगे क्या बोल रही है सवाल कर रहे हैं यार मैं कह रही प्रॉपर सर पे लगाए बाल खराब होंगे तो हम दोबारा टाइम दे देंगे अच्छा हाँ लंडा बाजार पूरी दुनिया का माल ओए 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 लंडा बाजार नहीं होगा लंडा बाजार पूरी दुनिया का माल सिक्स लंडा बाजार लापता लंडा ड्रामो के नाम आ रहे हैं मुझे बाजार 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 बाबा बुबू बाजार यार मुझे फवाद खान बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है चेंज करते हैं गाना यार अली हाँ हाँ बोलो क्या भाई मानी अब इसने ना सही नहीं लगाया ना अली सेकंड वर्ड टू वर्ड्स सेकंड वर्ड हाँ बा बाजार बाजार बाल चाल बाजार जबान बाजार बहुत कैंची जैसी जबान चलती है तेरी बाजार चाहे कुछ भी हो जाए बाजार यार ये आगा करेगा मैं अंग्रेजी बैक विद दिस आई एम सो सॉरी सुन गया कोई और करवा ले ना जुमला चेंज कर ले क्या क्या आप कर चुके हो लूजर नहीं नहीं मैं सुन चुका हूं अच्छा हम कुछ और करा ले और कर ले अच्छा 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 11:30 लाइव जा रहे हैं ना रिकॉर्डिंग नहीं है ना क्या करें बहुत लाउड है लाउड है थोड़ा थोड़ा से कम कर दो उसके बेचारे का वो एक्टिंग करने के काबिल रहे नहीं नहीं इतना नहीं वो आवाज आएगी फिर उसको अच्छा इनको क्या करूं इनको कहें मोटा पेट सड़क पे ले
पेट कितने लफ्ज है? फाइव वर्ड्स इंग्लिश उर्दू तो प्रोफेशनल है इसका तो रोज का लग रहा है मुझे प्रोफेशनल है ये वो टू पैसे मांग लेगा इसके एंड में मैं कह रहा प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट और लेटा हुआ है प्रेग्नेंट औरत लेटा हुआ है मोटा पेट प्रेग्नेंट औरत जमीन सड़क रोड लेटना हां यू गॉट इट हां यू गॉट इट जमीन लेटना नहीं कहां जमीन लेटना चाहिए अच्छा सड़क 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 जमीन जिसमें गाड़ी चलती है सड़क यू तुम को हेल्प कर रहे हो शू क्या फार्मूला 1 फार्मूला अच्छा एक सेकंड एक सेकंड मोटा हां पेट सड़क जमीन सड़क कालीन सड़क सड़क जिसपे गाड़ियां जाती सड़क सड़क सीट सड़क 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 सीट कुर्सी देखो रहने को घर ने अच्छा सीधा जाते हैं तो डेविएट हो जाता है सड़क सड़क यार इतना मशहूर देखो एक सेकंड क्या अरे सड़क बोल रहे थे अच्छा मोटा पेट सड़क पेलेट 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 सड़क पे लेट गया लेट गया ये कौन सी सड़क होती है मोटा पेट सड़क पे लेट गया लेट गया सड़क और कैसे प्रेग्नेंट और लेट गया मतलब बात सुनो किसने अच्छा परफॉर्म किया लड़कियों ने कि लड़कों ने लड़के हमने किया है हमने किया है लड़कियां जीत गई जीत गई और क्या यार ये गुंडी मेरी की है जीत जाओ अच्छा बस आंखों का इशारा कौन समझ जाता है एक दूसरे के जैसे होता ना कि ये दोनों के इशारे इशारे समझ जाते हैं अच्छा और डायरेक्टर का इनकी तो पहले ज्यादा मांग था किसको दिखाई मतलब उसका फेवरेट कौन था डायरेक्टर का फेवरेट तुम लोगों को लगता था हम सुतेले हैं और ये फेवरेट है सारे सब ऐसा होता है ना अपने माँ बाप से भी कहते हैं आप तो मुझे प्यार ही नहीं करते हम कचरे से उठाया ही वो नहीं डायरेक्टर के साथ भी कभी नहीं कोई भी नहीं हम एक्चुअली जब शुरू हुआ था तो मोहसिन भाई वाज द डायरेक्टर अच्छा तो ये उनको जरूर क्रेडिट जाता है कि उन्होंने हम सबको इकट्ठा किया उन्होंने कास्ट और उन्होंने कास्ट इस तरह से किया और एक डिसिप्लिन बनाया सेट पे हम सबको उन्हीं मेड श्योर कि हम सब जो है ना इक्वल हो अच्छा उन्होंने कहा कि इसमें कोई हीरो हीरोइन वगैरह ऐसा कोई मजाक नहीं है ये एक घर की कहानी और आप सबको साथ चलना है अच्छा तो उसके बाद फिर जब तहसीन आया तो तहसीन भी उतना ही बल्कि उससे ज्यादा एनर्जेटिक था और यू नो व्हाट अ लीडर उसने प्रोजेक्ट को जिस तरह संभाला ये बहुत तभी तो डायरेक्टर को कैप्टन ऑफ द शिप कहते हैं कि वो जिस तरह काम कर रहा था फिर एक्टर्स उसी की तरह क्योंकि हम लोग सब बिल्कुल लॉस्ट थे निदा जब प्रोजेक्ट जब बीच में लटक गया ना बिल्कुल तो हम बिल्कुल लॉस्ट हम एजिटेट हो गए थे हम इरिटेट हो गए थे कि यार ये क्या है और इससे इरिटेटेड थे कि भी अग्री कभी कभी गुस्सा भी कर जाते थे लेकिन तहसीन ने बहुत अच्छे से उनको इवन डेट्स को हर सीन को मतलब कौन सा डायरेक्टर कॉल करके डेट्स मांगते हैं कोरोना में तो बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हुई हैं और ऑब्वियसली आप लोगों के अलग अलग जगहों पे भी काम होंगे फिर एक दफा ब्रेक आ जाता है गैप आ जाता है कि कभी कभार तो खुदा ना खास्ता ऐसा होता है लोगों को शायद नहीं पता कि बहुत सारे एक्टर्स का इंतकाल हुआ शफी मोहम्मद शाह साहब का इंतकाल हो गया था सीरियल के बीच 100 एपिसोड की सीरियल थी उनकी और यासर डायरेक्टर था फिर उन्होंने किस तरह शूट किया पिछले वाले क्लिप्स निकाल के एडिट करके उनको किस तरह दिखाया कि उनका इंतकाल हो गया तो बहुत कभी कभार डायरेक्टर वाकई फंस जाते हम ये कह सकते हैं कि मोहसिन भाई हमारी माँ थे और तहसीन ने फिर मेल बाप वाला अच्छा मैंने कहा आप कहने वाले तहसीन सुतेली जो भी केमिस्ट्री आप लोग देखेंगे ड्रामे में ऑडियंस देखेगी वो इट वाज क्रिएटेड बाय मोहसिन भाई एंड इट वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस दैट वी प्रोबेबली ऑल साइंड द प्रोजेक्ट बट डिस्पाइट बीइंग अ बिगर डायरेक्टर इन द इंडस्ट्री उन्होंने हमें क्रिएटिव मार्जिन जरूर दिया कि हम अपने स्पॉन्टेनियस डायलॉग्स ऐड कर सके हम लोगों ने बहुत सी चीजें बीच में ऐड ऑन की ज्यादातर हमने सिर्फ ऐड ऑन किया जो हमारी केमिस्ट्री थी हम बहन भाइयों में दिखाई गई इन तीनों भाइयों में वो जो थी वही स्क्रीन पे आई है लोगों को यही देखना है जिसे वो अपनाइए तो उनको ड्रामों से तब होती जब उनको ये नजर आ रहा था हमारी खानदान की कहानी अरे हमें हमारे भी ऐसा होता है अरे उसके घर में भी ऐसा होता है तो वो जब रिलेट करते हैं तो फिर वो बहुत इंजॉय करते हैं तो आपने वो कहते हैं ना किसी खानदान वाले के घर अपने के घर जाने की जरूरत नहीं है आप मेरे अपने घर बैठे ही देख सकते हैं ARY डिजिटल का नया ड्रामा सीरियल शुरू हो रहा है 19 सितंबर इस डेट को लॉक कर लें और 7 से 10 तो आपका टाइम गया छोटे से ब्रेक के बाद
हम वापस आते हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे पास आज है कास्ट मेरे अपने की, जो कि आप देख सकेंगे 19 सितंबर से ARY डिजिटल पर 7 से 10 तक। और ये इन्होंने आपको सारी चीज़ें बताई, वन लाइन थोड़ी सी बता दी कि ख़ानदान की कहानी है एक्चुअली, वट्टा सट्टा जो एक्चुअली हमारे कल्चर में होता है उस वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये आपको इस ड्रामे में इस पूरी कहानी को देख के शायद अंदाज़ा होगा। और इस तरह की कहानियाँ मुझे लगता है बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि नसीहतें कोई नहीं सुनता, जब आप ड्रामे से रिलेट होते हैं तो फिर पता लगता है कि अच्छा यार ये नहीं करना चाहिए। अगर कोई एजुकेट हो रहा है किसी भी प्ले से या फिल्म से तो वो मेरा ख्याल है कि एंटरटेनमेंट के थ्रू अपना थोड़ा सा परसेंटेज उस चीज में डाल दिया। नहीं, और एक और बात जो कि इम्पोर्टेंट है क्लियर करने वाली, वो ये है कि ये एक टिपिकल सास बहू काउंटर नहीं है, इसके एनकाउंटर नहीं है। इसके अंदर जैसे हम बहन भाइयों की बॉन्डिंग बहुत जबरदस्त दिखाई है, मेरा जो रोमांटिक एंगल है आजरा के साथ वो बहुत फोकस्ड है। हाँ। उसमें मतलब प्लेज में यूजुअली इतने रोमांटिक सीन्स नहीं होते, बट हमारे डायरेक्टर्स ने हम लोगों को ये परमिशन दी थी कि हम उसको अपने तरीके से कर सकें। फिर सरप्राइज पैकेज ये दोनों होंगी इस प्ले की, जोया और जैनब, इनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं। और सबसे अच्छी बात इस प्ले के अंदर ये थी कि कोई किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा था। हाँ। अच्छा, मैं मुझे कहानी के हवाले से मुझे ये करना है कि हमारे यहाँ बहुत ये कॉमन प्रैक्टिस है वट्टा सट्टा, जो मुझे अभी आप लोगों की सुनकर बातें हैं और वो कहानी सुन के मुझे ये लग रहा है कि इसमें भी उसको पोर्ट्रे किया गया एक तरह से, वो क्योंकि बहुत सारे गाँवों और खानदानों में देहाती इलाकों में तो वट्टा सट्टा आम है, वहाँ ऐसे शादी हो ही नहीं सकती, और एक अलग सर्टन क्लास में, मिडिल क्लास अपर क्लास में भी होता है। तो इस सोशल इशू को देखकर आपको अंदाज़ा होगा इस ये देखकर कि क्या आपके बच्चों के लिए ये चीज़ अच्छी, क्योंकि दो खानदान एक हो जाते हैं ये कहा जाता है, लेकिन आई डोंट नो, ड्रामा देख के आप पता लगाएगा। मैं अभी आप लोगों से कुछ पता लगाना चाहती हूँ, आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू, आप लोगों की परसेप्शन क्या है वो देखते हैं। मेरे स्क्रीन पे मैं कुछ फनकार दिखाऊंगी और फिर आपसे मशवरा लूंगी कि ये ज्यादा किस चीज में बेहतर लगता है। अरे यार, अच्छा जी, आपके सामने दो एक्टर हैं, अदनान सिद्दीकी और नय्यर एजाज साहब। अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि दोनों में से ज्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर में कौन अच्छा लगता है और विलेनिश कैरेक्टर में कौन अच्छा लगता है। पॉजिटिव में तो अदनान भाई डेफिनेटली, बट नय्यर एजाज तो वो एक ऐसे एक्टर है कि वो तो कुछ भी कैरेक्टर में अच्छे लगते हैं, कॉमेडी कॉमेडी हो, नेगेटिव हो, आई थिंक वेरी वेरी अंडररेटेड, वेरी अंडररेटेड इनकी एक्टिंग एबिलिटीज। नय्यर एजाज साहब जो हैं, इनका इनके भाई भी थे रियाज साहब, जो जिनका बहुत यंग एज में इंतकाल हो गया, लेकिन वो भी बहुत अच्छे एक्टर थे। क्वेटा से इन्होंने शुरुआत की थी, मेरे अब्बा के ड्रामों में भी काम किया है, वो रियाज साहब भी बहुत अच्छे एक्टर थे, नय्यर एजाज तो खैर अभी दुनिया देख ही रही है, और इन दोनों की प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है, दोनों की प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है, अदनान भाई की भी बहुत स्ट्रांग है। तो क्या करें, विलेनिश कैरेक्टर दे दें नय्यर एजाज कर ले और पॉजिटिव कैरेक्टर, वैसे अदनान भाई ने भी दो नेगेटिव किए और दोनों कमाल किए, एंड वेरी सटल। सूट किस पे करेगा ज्यादा, अगर आप चलो ये बोलो, सूट ज्यादा नय्यर भाई पे करेगा, विलेनिश। हां ठीक है, नेक्स्ट दिखाएं भाई, नेक्स्ट दिखाएं। हां ओके, एक तरफ मानूर बलोच है और दूसरी तरफ रीमा है। अगर मैं आपको कंपैरिजन करूं कि जो वक्त है वो कोई असर ही नहीं डाल रहा, इन दोनों में से ज्यादा वो कौन है जिन पे वक्त कोई असर ही नहीं डाल रहा भाई? एंड मतलब मानूर बलोच मतलब वो हसीन तो है ही, लेकिन हर सेंस ऑफ स्टाइल, इफ यू सी हर इन अ साड़ी, तो वक्त, सवाल तो मेरा ये है कि वक्त किस पे असर ही नहीं कर रहा। मानूर बलोच हाँ, बेटी की भी शादी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन माशाल्लाह ये वैसी की वैसी है ना, पर ये कब से ऐसी की ऐसी है, ऐसी ये बहुत अपना ख्याल भी रखती है। इनके रूटीन के बारे में शायद आपको नहीं पता कि सुबह उठ के उबला हुआ खाना खाती है, हमारी तरह मिर्च मसाले या पानी पूरी और चाट नहीं खा रही होती, और उसके बाद ये जिम करती हैं डेली। ये प्रोबेबली एक ही घराने में तीन जनरेशंस की क्रश रही होंगी। बड़े भाई, अब्बा, फिर छोटा भाई। ये अपना बहुत, और इनके हस्बैंड भी बड़े हैंडसम हैं। मानूर बलोच के हस्बैंड भी ऐसे ही यंग लगते हैं, वो भी फुल बॉडी बिल्डर, और ये वो कहती है ना भाई मेरा अपना मियां ही हीरो है, तो वाली चीज। ओके नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। अच्छा, सोशल मीडिया का रूल ज्यादा किसका है, एमन और मिनाल का या
यासिर हुसैन का? यासिर हुसैन की गेम है कंट्रोवर्शियल, लेकिन इन्फ्लुएंस अगर आप बताएं तो वो एमन मिनाल का। अच्छा, एमन मिनाल के फॉलोअर्स ज्यादा हैं। यासिर हुसैन इज ऑलवेज इन द यासिर हुसैन गेम फॉर व्हाटसोएवर रीजन, फॉर व्हाटसोएवर रीजन, बट ही इज इन द न्यूज़। हां, वो अपने आप को भूलने नहीं देते। हां, याद रख, चाहे कोई भी बात हो जरूर खाला पुप्पी बन जाते हैं। और ये बहुत बहादुरी की बात है। देखिए, ये जो यासिर करते हैं ये बहुत बहादुरी की बात है, ये हर कोई नहीं कर सकता भाई। समंदर में तो लहरें आई जाती, लेकिन झील में लहरें लाना कोई इनसे सीखे ना। अरे वाह, है ना, गहरी बात। झील में छप्पड़ में बात टब में भी ले ये बॉय में करंट है, आना पड़े। नो डाउट भाई, करंट है बॉय में जी। तो इन लड़कों ने कहा यासिर हुसैन, तुम लोगों ने कहा एमन मिनाल। अच्छा अच्छा, अब ये दोनों जो हैं, दोनों हीरोज हैं, दोनों एक्टर्स हैं, अगर आप इन दोनों में से बताएं कि लाइक हीरो के अलावा कोई कैरेक्टर करना हो, एक हीरो है, हीरोइन है, नहीं कोई और, कभी बुड्ढा बना दिया या कोई और? फैसल फैसल भाई तो बने हुए, बने तो बहुत सफल हैं। आप लोगों फैसल करें, फैसल करें, फैसल भाई ने तो मेरा ख्याल है कि सब किया है, 50-60 साल के बंदे का भी अभी कैरेक्टर किया है। हां हां, एंड वो मतलब एज कैरी करना बहुत मुश्किल है। खाली एज नहीं, कोई और भी कैरेक्टर, मतलब किसी तरह भी कैरेक्टर जो है वो कौन सा था? लेकिन इसमें ना बड़ी क्लियर वो है बात, हुमायूं भाई जो है ना वो फॉरएवर हीरो है। हां, अनडाउटेडली किंग है। और फैसल भाई वर्सेटाइल है उस हिसाब से। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है हुमायूं अपनी पिटारी खोलते नहीं है, हुमायूं की पिटारी में भी ये सारी टैलेंट है, लेकिन उन्होंने देर तक हीरो रहना है तो नहीं। मेरे पास तुमो में he was not a typical hero, एक कैरेक्टर हीरो थे, बहुत ही वर्किंग क्लास आदमी, मतलब हां एक लूजर हीरो है वो, जिसको लड़की छोड़ के चली गई। He is an ordinary man, but बहुत अच्छे से एक्टिंग किया, बहुत कन्विंसिंग। हां, वेरी वेल। आइए जी, दिखाइए नेक्स्ट पिक्चर। ये दोनों बहुत प्यारी हैं, बहुत ब्यूटीफुल। इन दोनों में से ज्यादा जिसमें शादी और बच्चों ने कोई असर नहीं डाला ना, टस से मस नहीं हुई वैसी की वैसी। Tough choice. Yeah, that's very tough, Nida. Because dono they're, you know, I mean, abhi bhi, matlab, mashallah, they're aging gracefully. So, thoda bahut, jaise Manu aur Reema mein itna sa fark tha. Aiza, I think Aiza. Haan, kyunki Aiza ke do hain, uske ek hai na. Aiza. आप लोग क्या कहते हैं? देखिए, मेरा तो बहुत बड़ा बायस है माहिरा की तरफ, और आयजा इतनी अच्छी दोस्त हैं, तो मैं आयजा से माफी मांगूंगा, माहिरा फॉरएवर। हां, मतलब मर्द हजरात जो हैं उनकी पॉइंट ऑफ व्यू चेंज है आपसे। वैसे दानिश, दानिश भाई इज अ लकी मैन। हां, है ना, वो हम दानिश, दानिश की वजह से ही हम जरा इस तरह कमेंट। माहिरा तुम खैर छोड़ देना, ये लोग बड़े ठड़की हैं भाई, है ना, ठरकी की तरफ जा रही थी ना, उससे पता है की हाँ जो अली बोल रहे हैं, तो ये काट दो, ये काट दो, मैं कहीं और ना फंस जाऊँ। हाँ, ओके जी, नेक्स्ट दिखाए। अरे अरे, तेज सास का कैरेक्टर दोनों में से ज्यादा जचता किस पे है, सकीना सबो पे या सबा हमीद पे? सबा। अच्छा, ऑनेस्टली एक्टिंग कैपेबिलिटीज वाइज सबा आपा का कोई कंपैरिजन नहीं। मुझे नहीं लगता, लेकिन सकीना आपा ही बहुत अच्छा करती है मेरे ख्याल से। सकीना आपा बताओ ना, ज्यादा तेज सास का कैरेक्टर किस पे? सबा। ओके, आइए जी नेक्स्ट। नेक्स्ट, तेज नंद का कैरेक्टर ज्यादा किस पे जचता है, जवेरिया साउथ पे या सना अस्करी? ओके, आगे बढ़े भाई। अरे यार, ये दोनों इतने क्यूटी हैं। बिग्बास सर ज्यादा कैरेक्टर किस पे सूट करता है? भाई मोहम्मद अहमद साहब, अहमद साहब प्यार की पुटली है जो है। ओके, अच्छा, महमूद साहब की तो पर्सनालिटी बहुत डोमिनेंट है, बड़ी रोल मासूम, वो अपनी एक्टिंग एबिलिटीज की वजह से कर सकते हैं, बट अपीयरेंस वाइज अहमद साहब डंडे हैं। क्यूट है, क्यूट है अहमद साहब, लुक एट दैट स्माइल, क्यूट है, क्यूट है, बहुत सारे। या या, ओके जी, हां। अच्छा, अरे आपको क्या लगता है इन दोनों में से, अल्लाह मैं बोलना चाहिए, लंबी रेस का घोड़ा कौन सा है? यार मतलब तुसी मेरा पटा कराओगे, मैं तो नहीं जवाब दे भाई। यही कहते हैं ना कि लाइक कौन ज्यादा टिकने वाला है यार, ये दोनों बहुत अच्छे हैं की वजह से। बिलाल, 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 ही इज अ मच बेटर एक्टर। हां, ठीक है, ओके, आगे बढ़े जी। हां,
अच्छा एक तो मोमिना है और दूसरी एमन सलीम है और मोमिना ये दोनों लाइक नई एक्ट्रेसेस मोमिना तो एहदे वफा में भी थी यार जी 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 हां काफी गए आपको कौन क्या लगता है कि दोनों में से आगे ज्यादा कौन जाने वाली है इनमें वो तो एमन ही का है नॉट बिकॉज़ वो मोमिना की एक्टिंग एबिलिटीज कम है मैंने इनके कुछ काम देखा है शी इज अ ब्रिलियंट एक्टर वेरी नेचुरल बट यहाँ पे इंडस्ट्री में बैकिंग की भी बड़ी लॉन्च बैंक बैकिंग बैकग्राउंड नहीं स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड भी हो बट वंस यू आर इन द गुड बुक्स ऑफ द पीपल हु रन द शो तो अनडाउटेडली आप साथ इसके चैनल ओनर्स से अगर अच्छी दोस्ती आप साथ इधर जो स्कारलेट जोहानसन की भी इस वक्त तस्वीर लगा देंगी तो एमन सलीम ही हम कहेंगे ग्रेट पीआर वैसे ग्रेट पीआर अच्छी पीआर है तो आपको लगता है आगे ज्यादा हो जाएगी ये मैं कह रहा हूं कि स्कारलेट जोहानसन लगा दें आप साथ तो भी एमन सलीम ही कहेंगे देखिए भाई आज हमें बहुत मसाला मिला है शो से वो चले अपने चैनल चमकाए सारे चैनल चमकाए सारे चैनल चमकाए खुदा न्यूज़ चैनल कल को मैंने काम करना होगा उनके साथ मैं ये बात नहीं कर रहा था नहीं मैंने कही आज वेरी गुड शी इज वेरी गुड आज माशाल्लाह हमारा हमने सोशल मीडिया को बहुत मवाद दिया है तो एक हफ्ते तक दो हमने दे दिया वो बात हमें पता नहीं लगा हमें तो पता नहीं चल गया सो रहे थे क्या यार ये नींद में इसलिए मैं लाइव शो में नहीं आता सुबह देखिए अच्छा गलत बात हो जाती है पता हूं क्या आपका ड्रामा आ रहा है संडे को मैंने तो बता दिया मैं तो फुलझड़ी छोड़ के चली गई अब बाकी काम सोशल मीडिया का है वो फुलझड़ी आज छोड़ेगा और सबको बताएगा कि संडे यानी 19 सितंबर को 7 to 10 तक आपने भूलना नहीं है मेरे अपने थैंक यू बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो मसाला आज आपको हमारे शो से मिला है इंशाल्लाह वो मसाला आपको संडे को भी मिलेगा संडे बहुत फीके होते हैं उसको स्पाइसी बनाइए मेरे अपनों से गुड मॉर्निंग पाकिस्तान